फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू करने वाली पहली विश्व की पहली पहला देश कौन सा है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 1954 के अंदर, ठीक है, 1954 के अंदर पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था, फ्रांस के द्वारा यह लागू किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत बहुत पीछे है फ्रांस के कंपैरिजन, इंडिया में तो अभी लागू किया गया है, लेकिन 1954 में ही फ्रांस के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है जीएसटी को, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इतनी सारी ये जो स्लैब्स बताई है मैंने, ये इनको टैक्स स्लैब्स कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन की जीएसटी के परव्यू से किन तीन चीजों को बाहर रखा गया है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को, और साथ में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इन तीनों चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ये चीज याद रखिए। विच पैनल सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेटअप था, तो इसका सही जवाब होगा रंगराजन पैनल। ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या इन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि डी कंट्रोल वी नियंत्रित करना चाहिए हमें शुगर इंडस्ट्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज अकॉर्डेड द महारत्न स्टेटस इन फेब 2013, 2013 के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्रम को महारत्न का दर्जा दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है, पीएसयू का नाम आपने सुना होगा, पीएसयू वो कंपनीज होती है जिन पे अधिकार गवर्नमेंट का होता है, समझ गए, गवर्नमेंट कंपनीज को आप पीएसयू बोल देते हैं, ठीक है। पीएसयू के अंदर तीन टाइप की कंपनीज होती है, एक महारत्न होती है, एक नवरत्न होती है, और एक क्या होती है, मिनी रत्न, ठीक है, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक महारत्न होती है, एक मिनी रत्न होती है, और एक नवरत्न होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, इनके ऊपर अब क्वेश्चन ये आता है कि महारत्न में पैसे इन्वेस्ट करने की लिमिट है 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक महारत्न जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट की अनुमति से, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, 5,000 करोड़ जो है इसकी लिमिट होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। और देखिए इसका सही जवाब देख लेते हो, ऑप्शन थर्ड के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, भेल। बाकी कंपनीज आप देख रहे हो कि इनमें से पूछा था महारत्न कंपनी कौन सी है, तो भेल, मैं महारत्न कंपनीज के नाम आपको सारे यहाँ पे बता देती हूँ, भेल, गेल, सेल, इन तीनों को तो आप याद रखिए, भेल, गेल, सेल, ठीक है। एक एग्जाम में आती है एनटीपीसी और एक ओएनजीसी, ठीक है, और एक आईओसीएल, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, एक और भी है, टोटल कितनी होती है महारत्न कंपनीज, 8 होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिए। नवरत्न कितनी होती है, 16 होती है, और मिनी रत्न होती है 74, तो इनका नंबर काफी बड़ा है, तो एग्जाम में इनमें से नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आता है महारत्न में से ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या सबसे कम होती है, तो आप मेनली तो इन 6 के नाम ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत के अधिकतम लोगों को रोजगार देती है, यह आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो कौन सी एक्टिविटीज जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार देती है ये बताइए, तो इसका सही जवाब होगा हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर कृषि के बारे में आप समझ सकते हैं, कृषि जो है बहुत सारे लोग मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो इसका नंबर संख्या काफी ज्यादा है, तो इसी फील्ड के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। If there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequences will be, यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना, ठीक है, ये क्या होता है कि lack of money supply, अगर supply जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, supply कम हो जाएगा, और क्या है कि इसमें पूछा गया है, एक सेकंड, यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ। फिफ्थ के लिए हमारा सही आंसर होगा डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइसेस, कि प्राइस के अंदर जो भी प्राइस के अंदर अगर कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है, वो डिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो हो जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन के अंदर देखो क्या होता है, सप्लाई जो है वो कम होती है,
और डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है कि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर देखिए डिफ्लेशन में डिमांड कम होगी, लोग कम डिमांड कर रहे हैं लेकिन चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में डिफ्लेशन में होता है कि डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस जो है वो कम हो जाता है डिफ्लेशन के अंदर। और ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि प्राइस बढ़ गए हैं। अगर प्राइस का, अगर गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाएगा, तो वो कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन क्या होता है? ऑप्शन सी, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि करेंसी से रिलेटेड होता है कि आपकी करेंसी, हमारी करेंसी रुपया जो है, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, जो हमारा एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया हुआ है, अगर उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। सारे ऑप्शंस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए, और डिफ्लेशन जो है हमारा सही जवाब है। Which of the following comes under quaternary sector? Quaternary sector के अंदर इनमें से क्या आता है? तो देखो इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स को चार सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आती है? जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ, ठीक है, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने कोई फसल तो बो दी लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी? उस फसल से मान लो आपने कॉटन की क्रॉप उगाई है, तो वो आपका हो गया क्रॉप का उगाना, प्राइमरी सेक्टर हो गया। उसकी प्रोसेसिंग होना, उससे क्या हो रहा है कि कपड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं, कॉटन के क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं, तो वो होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, या आप कह सकते हो आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब कपड़े तो बन गए हैं, अब उन कपड़ों को अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, आप अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से उनकी सर्विस दे रहे लोगों को डिलीवरी कर रहे हो, तो वो आपका कहलाता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जैसे कि होम डिलीवरीज हुई, फोन कॉल्स हुए, लैपटॉप्स हुए, क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर जो है वो क्या कहलाता है? सर्विस सेक्टर कहलाता है। क्वार्टनरी सेक्टर की बात करते हैं, तो जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? आप एक क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। अब देखिए माइनिंग और फिशरीज क्या है? ये आपके प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी सेक्टर समझा दिया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, टर्शरी में सर्विस, बस टर्शरी में आप सर्विस याद रख लेना, और क्वार्टनरी में रिसर्च या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप याद रख लेना। अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन क्या होता है, कि हाइक इन प्राइसेस, अगर प्राइस बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं किसी वस्तु के लिए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेशन। अगर प्राइस घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो कहलाता है डिफ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन क्या होता है? रिडक्शन, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस बढ़ गए हैं, अगर उसकी दर कम हो जाए, प्राइस बढ़ तो बढ़ेंगे लेकिन प्राइस बढ़ने की दर अगर कम हो जाती है, तो कहलाता है डिस इन्फ्लेशन। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन भी हम देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि ग्रोथ जो है, अगर हमारे देश की ग्रोथ कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और प्राइस भी है, जो प्राइस जो है, मूल्य, वो भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, या मुद्रास्फीति जनित मंदी उसे कहा जाता है, ठीक है। Who founded the Indian Statistical Institute on 17 December 1931? 1931 के अंदर Indian Statistical Institute जो है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी PC महल नोबिस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि दिल्ली के अंदर है, बट दिल्ली के अंदर नहीं है, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन, कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 1949 के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है वो हम सही जवाब लेंगे, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर MSME enterprises मीट वंस एवरी मंथ इन अ ईयर। सूक्ष्म, लघु और उद्यम, मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार
महीने में मिलते हैं, ठीक है, 6 महीने में मिलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा, 6 months यहाँ पे आपका आंसर होगा। एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, आपसे पूछा गया है। यह रिकमेंड जिस कमीशन के द्वारा किया जाता है उसका नाम है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, इस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है। एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये होता है फार्मर्स के लिए। मान लीजिए किसी एक सीजन में फार्मर्स कोई फसल उगाते हैं तो गवर्नमेंट के साथ पहले ही फसल उगाने से पहले एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपकी फसल इतनी होगी तो हम उसके लिए आपको इतने पैसे देंगे। अगर आपकी फसल मान लीजिए कि खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी गवर्नमेंट आपको वो अमाउंट पे करेगी, तो इसे कहा जाता है एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की मिनिमम आपको इतना अमाउंट तो दिया ही जाएगा आपकी फसल के लिए, ठीक है। अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरिंग्स, ठीक है, क्या पूछा है इसके अंदर। देखिए हमारी सरकार की कुछ कमाई भी होती है, कुछ खर्चा भी होता है, तो सरकार की कमाई और खर्चा जो है वो हमेशा बैलेंस नहीं रहता, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी हो जाते हैं। इनकम, इनकम और आप एक्सपेंडिचर समझ सकते हैं, ठीक है। सरकार की इनकम अगर कम होगी और अगर खर्चा ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं कि वहां पे डेफिसिट हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका खर्चा बहुत हो रहा है और आपकी इनकम बहुत कम है तो आप क्या कहेंगे कि आपका घाटा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें पूछा है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा, आपका टोटल खर्चा अगर आपके रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है डेफिसिट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सक्लूड्स मनी फ्रॉम बोरिंग्स, आपको उस मनी को घटाना है जो कि आपने उधार लिया है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा। सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ कि क्योंकि ये टर्म्स जो है काफी कंफ्यूजिंग है। सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि अगर भारत में इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो, अगर आप बाहर के देशों से चीजें ज्यादा लेंगे और अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट कम करेंगे तो आपका कहलाता है चालू खाता घाटा, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू नाम है तो आप इससे याद रखेंगे, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से आप टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ये सीधे से फॉर्मूलाज होते हैं और एग्जाम में बिल्कुल सीधा ये फॉर्मूला देके आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, किसका फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको एज इट इज, जैसे मैंने बताया है एज इट इज आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बजटरी डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी आय है अगर आय कम हो जाती है और खर्चा ज्यादा हो जाता है सिंपल टर्म्स में, उसे हम, मैंने अभी समझाया कि उसे हम घाटा कहते हैं, और अगर इकोनॉमिक्स में अगर कोई नाम देना पड़े हम तो हम उसको कहेंगे बजटरी डेफिसिट, कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया है उसे हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कॉल्ड, आपको बताना है कि हमारे जो ऑल इंडिया इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए उसका बेस फाइनेंशियल ईयर क्या रखा गया है, बेस ईयर बताना है। बेस ईयर क्या होता है कि दो, इसका आंसर देख लेते हैं 2011 to 12, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। बेस ईयर क्या होता है, मान लीजिए कोई एक साल आप मान लीजिए रेफरेंस मान लीजिए, बेस ईयर हमने मान लिया, उस साल में हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई है तो अब आने वाले सालों में हम क्या करेंगे उसको एक बेस मान लेंगे कि हमें इतनी प्रोडक्शन तो करनी ही करनी है और इतनी हमारी जीडीपी ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो उस बेस ईयर से आज के ईयर को आप कंपेयर करते हो तो उसे कहा जाता है बेस ईयर, जो क्या है 2011-12, ठीक है। What does the Lorentz curve indicate? Lorentz curve जो वक्र जो है वो क्या दर्शाता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए Lorentz curve जो है वो दर्शाती है कि आपने देखा होगा एक जॉब, 10 घंटे की जॉब मान लीजिए कोई एक इंसान कर रहा है, 10 घंटे की जॉब कोई दूसरा इंसान कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि एक इंसान की सैलरी है 1 लाख रुपए और एक की सैलरी होती है 20,000 रुपए। तो इसको क्या कहा जाता है कि इनकम इनइक्वालिटी, कि आप जो है काम, दोनों काम 10 घंटे कर रहे हैं लेकिन दोनों की इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट का फर्क हो सकता है या काम का फर्क, कंपनी का फर्क कह सकते हैं आप। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, ये किससे दर्शाती है, लॉरेंस कर्व से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या आप इसको इनकम इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, इनइक्वालिटी, ठीक है।
ये हमारा सही जवाब होगा. अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट रेवेन्यू इज कॉल्ड, कि ऐसी एक स्थिति जहां पर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है. तो अभी अभी हमने पढ़ा था इसका बजट डेफिसिट, ठीक है. ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है. एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स, एक आर्थिक स्थिति जहां पर एक खरीदार और कई विक्रेता हो तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब देख लेते हैं. इसका सही जवाब होगा मोनोपोली, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है. मोनोपोली एकाधिकार, आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी एक ही इंसान का प्रभुत्व हो, उसका कंट्रोल हो, तो वो कहलाता है मोनोपोली एकाधिकार, ठीक है. और ओलिगोपोली क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. ओलिगोपोली वो होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स, के छोटे छोटे जो है सेलर्स हो, बेचने वाले हो, लेकिन उनकी संख्या अधिक हो, समझ गए, कि छोटे छोटे दुकानदार है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक है, तो वो कंडीशन कहलाती है ओलिगोपोली या अल्पाधिकार कहलाती है, ठीक है. वट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल इन इकोनॉमिक टर्म्स. आपको उस लाइन का नाम या ग्राफ का नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है, जो कि क्या करता है, दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है जिससे एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से आय के स्तर के भीतर खर्च कर सकता है. तो ये होता है आपका बजट, कि आपका बजट कितना है. आपने कभी सुना होगा शॉप पे जाके आपसे पूछता है शॉपकीपर कि आपका बजट कितना है, तो आप कितना, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं. तो इसका सही जवाब, आप बजट से रिलेट करके इसको याद रखिए, बजट लाइन जो है इसका सही जवाब होगा. इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसी गुड्स का मध्यवर्ती माल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है. देखिए आप समझ चुके हैं मध्यवर्ती माल मतलब क्या है, कि जिसको, जो कि एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी वो सेमी फिनिश्ड है, ठीक है. तो इसका आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन ए, गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल, या तो दोबारा सेल के लिए, उनको रीसेल के लिए रखा गया हो, या प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है. एक गुड्स होते हैं प्राइमरी गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएटरी, और एक होते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो प्राइमरी गुड वो होते हैं जैसे जिनका उत्पादन होता है, ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होके वो किसी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, समझ में आया. और फाइनल प्रोडक्ट वो होता है कि आप पर्टिकुलर आपने इंटरमीडिएट गुड्स से एक फाइनल कुछ अपना उत्पाद बना लिया है. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा. डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विसेज विच इज कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड. इसमें पूछा है किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है वो क्या कहलाती है. तो सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब होगा डेराइव्ड, कि आप किसी दूसरे से व्युत्पन्न कर रहे हो, व्युत्पन्न मांग जो है वो हमारी कहलाती है, ठीक है. विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि आप मान लीजिए कोई दूसरी चीज चूज करते हो, तो दूसरी चीज चूज करने के लिए आपको पहली वाली जो चीज आपके पास है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है. या आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, कुछ पाने के लिए जैसे कुछ खोना पड़ता है, एग्जैक्टली वही चीज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप कोई चीज हासिल करना चाहते हो, कोई आप ऑब्जेक्ट चाहते हो, तो आपके पास जो पहले से ऑब्जेक्ट है आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और ये रिलेशनशिप किसके द्वारा दी गई थी, थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन डी गॉटफ्रिड हैब्रियर के द्वारा जो है ये थ्योरी दी गई थी. एज पर बैंकीव्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्री. किसी भी एक देश का अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम, तो किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, नॉमिनल वेज पे, एवरेज वेज के ऊपर, या एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस. तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है. देखिए किसी भी देश की क्षमता आपको पता लगानी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लगाना हो, तो किससे पता लगता है, कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, वस्तु और सेवाओं के क्रय करने की क्षमता जो है वो क्या बताती है, कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है. When the output is equal to zero, the variable cost is, जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है. आउटपुट अगर जीरो है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मैं बता देती हूँ क्या होती है. वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, वेरी का मतलब होता है चेंज होती है, किसके साथ,
आउटपुट लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आउटपुट ही जीरो आ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। अगला देखते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म्स लोन टू द लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज कॉल्ड, बैंकों द्वारा उनके सबसे बड़े सुरक्षित और सार्वजनिक विश्वसनीय ग्राहकों के अल्पकालिक ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज दर क्या कहलाता है। देखो, मान लीजिए बैंक का कोई एक फेवरेट कस्टमर है जो टाइम पे लोन चुकाता है, टाइम पे सारे काम करता है बैंक के, ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि उसको थोड़ा सा फेवर देगा कि आपके लिए हमारे जितने भी इंटरेस्ट रेट होंगे वो और लोगों के कंपैरिजन थोड़े से कम होंगे, कि आप हमारे एक अच्छे कस्टमर हो तो हर अच्छे कस्टमर का शॉपकीपर ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि बैंक्स जो है अपने अच्छे कस्टमर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, जिसे कहा जाता है प्राइम लैंडिंग रेट। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा। CRR इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक। CRR होता क्या है कि आप बैंक में जो पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो उन पैसों में से कुछ अमाउंट जो बैंक जो है वो RBI के पास जमा करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। आइदर कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हो या आप डिपॉजिट की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो बैंक जो है RBI या सेंट्रल बैंक के पास में रखता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, उसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और इसको मतलब रेगुलेट कौन करता है, कि बताता कौन है कि तुम्हें इतना अमाउंट रखना है मेरे पास, तो वो RBI बताएगा बैंकों को कि तुम्हें इतना अमाउंट मेरे पास रखना है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, नेट डिमांड एंड नेट लायबिलिटीज। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, संतुलित कीमत, कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो क्या कहलाता है कि इक्विलिब्रियम वहां पे आ गया है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन देखो कि डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई जो है डिमांड कम हो रही है और सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सप्लाई अगर बढ़ जाएगी, मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं खरीदने के लिए, लेकिन कस्टमर बहुत कम जाते हैं वहां पे क्योंकि डिमांड नहीं है उस चीज की, तो उन चीजों का प्राइस क्या होगा, प्राइस जो है उनका डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है डिफ्लेशन, ठीक है। 25th के लिए आंसर देख लेते हैं कि प्राइस विल फॉल, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। A substantial increase in capital expenditure or revenue deficit leads to, पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा की वजह बनता है, क्या बनता है, इसका सही जवाब देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। फिस्कल डेफिसिट को हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, तो दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे इसको। When the deficit is high, मान लीजिए घाटा अधिक होता है, तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है, प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, राइज हो जाएगा प्राइस, इंक्रीज। अगर घाटा हो जाता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस घाटे को कम करने के लिए क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, ताकि जो है लोगों से पैसा गवर्नमेंट के पास आ सके। तो अगर डेफिसिट घाटा ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि चीजों के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। What is the value of tangible resources such as raw material and labor that are used in the production process called? कि सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिनका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, उनकी लागत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा 28th के लिए, उसे कहा जाता है कि रियल कॉस्ट, की वास्तविक लागत क्या लगी है, कि आपके लेबर्स की आपने कितनी सैलरी दी है, कच्चा माल कितने में आया है, ठीक है, आपने जमीन कितने में खरीदी है, ये सब कहलाती है कि रियल कॉस्ट उसकी, की वास्तविक लागत उसकी कितनी लगी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी हम देख चुके हैं कि आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट भी, जो एक फिक्स मतलब स्थिर लागत, ये आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A marketplace in which a final goods or service is bought and sold is called, वह बाजार स्थल जहां पे अंतिम वस्तुएं व सेवाएं बेची जाती है क्या कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होगा 29th के लिए, हमारा सही जवाब होगा कॉमोडिटी मार्केट। वस्तु बाजार से आप इसको समझ सकते हैं, कॉमोडिटी मार्केट जहां पे वस्तुओं की खरीदा और बेचा जाता है वो कॉमोडिटी मार्केट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म, कि फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव पर क्या असर होता है।
देखिए प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, भारत एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट कम होगा हमारा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी, तो इसका सही जवाब होगा इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ जाएंगे किसी मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है, इस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, ये समझ में आया, आंसर देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इस जो कर्व का शिफ्ट होता है वो बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच थ्योरी इन इकोनॉमिक्स प्रपोजेस दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट व्हाट दे कैन मोस्ट एफिशिएंटली एंड प्लेंटीफुली प्रोड्यूस, अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत कहता है कि देश उन चीजों का निर्यात करते हैं जिनका वे सर्वाधिक कुशलता से तथा प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और यह कथन कहा जाता है कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल को कहा जाता है एचओ मॉडल। इतना नाम थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इसका शॉर्ट नेम है एचओ मॉडल। एचओ मॉडल से आप इसको याद रख सकते हो, ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। विच थ्योरी इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग रन प्रिडिक्शंस अबाउट एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि कौन सी थ्योरी ये बताती है कि प्रिडिक्शन कि एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हम भारतीय का रुपया जो है उसको आप किसी दूसरे देश की करेंसी से अगर एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है, इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट वॉज पास्ड इन द विच ईयर, कौन से साल के अंदर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 34th के लिए हमारा 1956 के अंदर यह पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MSME डेवलपमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ था 2006 के अंदर, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन डी। ये क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम होता है, पैसे भेजने का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसके बारे में स्पेशल बात जान लो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है ये, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। और जैसे कि आपके NFT RTGS होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड जैसे डेज के अंदर ही आप करवा सकते हो, लेकिन इस सर्विस को आप 24/7 अवेलेबल होती है, इवन बैंक की अगर हॉलीडे भी होती है उस दिन भी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST, जीएसटी के अंदर GSTIN का मतलब क्या है ये आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछी गई है। 37th के लिए हमारा सही जवाब होगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू द रनिंग डाउन ऑफ पेमेंट ऑफ ए लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, कि निम्न में से कौन सा शब्द रनिंग डाउन या कीमतों में ऋण चुकाने की संदर्भता करता है ये आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज ऑथराइज टू इश्यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कौन से बैंक को अधिकृत किया गया है, भारत में सिर्फ एक ही बैंक जो है वो अधिकृत कर सकता है, वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो किसके लिए, मतलब वो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स होते हैं, आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में डोनेशन देना चाहते हो, पैसे देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इन बॉन्ड्स का यूज करोगे। ठीक है, इन बॉन्ड्स पे मतलब अमाउंट लिखा होता है कि जैसे 10,000, 1 लाख, इतना अमाउंट लिखा होता है कि आप इतना डोनेट कर सकते हो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये इनका ये कौन सा बैंक इशू कर सकता है, इनको सिर्फ ऑथराइज है बैंक जो वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज इस पे याद रखना। और ये इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स होते हैं और ये सिर्फ खरीदे जा सकते हैं इंडियन सिटीजन के, जो भारतीय नागरिक है सिर्फ वही इनको खरीद सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं हम।
In the context of international banking transactions, what is the full form of SWIFT? SWIFT का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में SWIFT का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? SWIFT की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का अगर हमें लेन देन करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं SWIFT को. और SWIFT की फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन से अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज होते हैं. तो 8 और 11 दो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं जो SWIFT के अंदर यूज किए जाते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर फाउंडेड बाय मुथैया चिदंबरम चेटियार इन चेन्नई इन 1937. 1937 के अंदर इनमें से कौन से बैंक का निर्माण हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? मुथैया चिदंबरम चेटियार के द्वारा किया गया था. तो जिस बैंक का निर्माण हुआ था वो बैंक था इंडियन ओवरसीज बैंक. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसका निर्माण हुआ था 1937 के अंदर. अगला देखिए, इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमोलगेटेड. भारत में किस वर्ष केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम प्रवर्तित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, तो कब किया गया था, कौन से ईयर के अंदर? तो यह हुआ था 1963 के अंदर. ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. Which committee was appointed to give a detailed report on the non-performing asset of the public sector bank? हमारे जो public sector bank है उनके non-performing assets हैं. ठीक है, उनके study के लिए एक committee बनाई गई थी. उस committee का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है. तो कौन सी committee बनाई गई थी, जल्दी से जवाब दीजिए आप मुझे. Third के लिए हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, तो वह committee बनाई गई थी पनीर सेल्वम committee. ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी देखा है, ये इवनिंग शिफ्ट में भी आया हुआ था, मॉर्निंग दोनों शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन था. तो पनीर सेल्वम कमिटी जो समिति, इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है. ऑप्शंस को देख लेते हैं. मालेगांव कमिटी के बारे में पूछा जाए तो यह रिलेटेड थी माइक्रो फाइनेंस से, या फाइनेंस से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, श्री कृष्णा कमिटी थी आधार से रिलेटेड. आधार का जो इशू था कि फोन से कनेक्ट करे कि ना करे, बैंक से कनेक्ट करें, उसके लिए क्या था कि एक डाटा प्रोटेक्शन समिति बनाई गई थी जिसका नाम था श्री कृष्ण कमेटी. ठीक है, मंडल कमेटी आप सभी को पता है रिजर्वेशन से रिलेटेड है. मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो आप बैकवर्ड क्लासेस से इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इतना डिटेल में सीजीएल नहीं पूछेगा आपसे, एसएससी नहीं पूछेगा आपसे. बस ये पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है. तो जो मैंने आपको नाम बताए हैं आप इन नाम्स को भी अगर याद कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, अगला देखते हैं. इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड. दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो इस एक्ट के द्वारा पारित किए गए थे. ठीक है, और यह एक्ट कौन से ईयर के अंदर पारित किया गया था, वो ईयर यहाँ पे पूछा गया है. दिस एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 1951 के अंदर यह एक्ट पास किया गया था. अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड. वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें कुछ ही फार्मों का बोलबाला होता है. कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे मोनोपसनी का कि मोनोपसनी क्या होती है. उसके ऑप्शन में था ओलिगोपोली. तो ओलिगोपोली का मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स अगर मार्केट में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उन्हें उस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा. ठीक है, याद रखना स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स के छोटे छोटे दुकानदार अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं तो वो कंडीशन कहलाती है ओलिगोपोली या अल्पाधिकार कहलाती है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड. निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत ये कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है. ये कौन से सिद्धांत में कहा गया है, उस प्रिंसिपल का नाम आपको बताना है. जल्दी से जवाब दीजिए, सिक्स्थ के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए. इसका सही जवाब हम देख लेते हैं. सबसे पहले सही जवाब दिया है मुझे, जल्दी से जवाब देते जाइए. आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ग्रेशम का नियम, ग्रेशम स्लो कहा जाता है, जो क्या कहता है. सबसे पहले जवाब दिया है ट्विंकल ने. ट्विंकल आपका जवाब गलत है, निमी का भी गलत है, सी नहीं होगा. ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा. ग्रेशम का नियम कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड. ठीक है,
ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है। सबसे पहले जवाब प्रशांत ने सही जवाब दिया था। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर देयर ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस। ठीक है, निम्न में से किसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बेहद तरल संपत्तियों का वह हिस्सा जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति की वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए बैंकों के पास क्या है कि कभी कभी बैंकों को ज्यादा पैसा चाहिए सेंट्रल बैंक से, तो बैंक क्या करती है, उसके पास जो लिक्विड चीजें होती है जैसे कि सिक्योरिटीज वगैरह होती है, तो वो क्या करता है, उनको सेल कर देता है और उनको कुछ पैसे वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है लिक्विड कवरेज रेशियो। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेस रेट क्या होता है, देखो आरबीआई बैंक हमें लोन देता है, तो बैंक एक दर पे हमें लोन देता है कि इस इंटरेस्ट रेट के साथ हम आपको लोन दे रहे हैं। वो लोन कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई बैंकों को कहता है कि आपको मिनिमम इतना इंटरेस्ट रेट तो कस्टमर्स के लिए रखना ही रखना पड़ेगा, वो रेट कहलाता है बेस रेट। ठीक है, अब देखो एसएलआर और सीआरआर, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है कि एसएलआर की फुल फॉर्म बताओ, सीआरआर की, ये क्या है, ये टूल्स है। किसके टूल्स है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है कि आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, महंगाई को कंट्रोल करना हो, तो आरबीआई क्या करती है, इन टूल्स को अपनाती है। आने वाले क्वेश्चंस में इनके बारे में भी समझेंगे कि इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुज रिपोर्ट टू द यूएस कांग्रेस टाइटल नेशनल इनकम। आपको ये बताना है कि एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था किसके लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका टाइटल था नेशनल इनकम। ठीक है, और नेशनल इनकम हम किसमें यूज करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी क्या होती है, हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेशनल इनकम। वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। यह रिपोर्ट जिनके द्वारा दी गई थी उनका नाम है सिमोन कुंजनेस। ठीक है, ऑप्शन सी, सिमोन कुंजनेट्स जो है उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेशनल इनकम क्या होती है कि हमारी पूरी देश की जो आय होती है, इनकम होती है, इंडिया की पूरी इनकम, वो क्या कहलाती है, हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात, ये तो था। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए तो आप एक साल के अंदर, पर्टिकुलरली इन वन ईयर, आप कितने गुड्स और सर्विसेज को वहां पे प्रोडक्शन करते हो, वो हमारी कहलाती है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम से ही हम जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी भी यही होता है कि हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो जीडीपी निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, नेशनल इनकम की हेल्प ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर पॉपुलरली नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज वेस्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राथमिक शहरी कोऑपरेटिव बैंक, जो लोकप्रिय ढंग से शहरी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके विनियमन या पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्न में से किसे दी गई है, कौन से बैंक को दी गई है, कौन से डिपार्टमेंट को दी गई है। तो आरबीआई का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहा जाता है अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ कंपनी दैट हैज बीन फाउंडेड आफ्टर 2003, 2003 के बाद एक कंपनी को स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका वर्तमान मूल्य जो है $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है 2003 के बाद। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उस कंपनी का नाम है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी 2003 के बाद एस्टेब्लिश की गई थी और इसकी वर्थ अगर आप देखें तो $1 बिलियन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग डियरनेस अलाउमेंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस इन इंडिया, कि भारत में कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, दो टर्म आपने सुनी होंगी, WPI और CPI। यहाँ पे हम CPI की बात करते हैं। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, CPI की फुल फॉर्म एक तो याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी बात, CPI क्या होता है कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, अगर आपको नापना है कि इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है, उसको नापने के लिए आप इसका यूज करते हो, CPI का। ठीक है,
सीपीआई का यूज कैसे करते हो कि मान लो कि सैलरी कितनी बढ़ रही है, पहले चीजों की प्राइस कितना था, अब चीजों का दाम कितना बढ़ गया है, उसी से तो आप पता लगा सकते हैं कि प्राइस कितना बढ़ा है। ये सब काम कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस की बात करें हम, ठीक है, अलाउंस की बात करें, वो सब कितने बढ़ रहे हैं भारत के अंदर, उसको कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट एन एनुअल पब्लिकेशन टाइटल नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। आपको एक यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, एक पब्लिकेशन का नाम दिया गया है जिसका नाम है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। यह नामक दस्तावेज जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आपसे पूछा गया, कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑफिस इसको रिलीज करता है? तो देखिए यहाँ पे आप इस वर्ड से इसको रिलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के नाम से, तो यह रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, दैट इज सीएसओ। सीएसओ से इसको याद रखना। Is the final value of all finished goods and services produced within a country border in a specific period time? अभी मैंने समझाया था कि आपसे पूछा गया है कि एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लीजिए एक साल का टाइम ले लियो, एक साल के टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन होती है वो कहलाती है हमारी GDP या सकल घरेलू उत्पाद कहलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। और GDP हम किससे निकालते हैं, क्या हेल्प करती है GDP को निकालने में, हमारे नेशनल इनकम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, इसका मतलब क्या होता है कि आपके देश में आपकी GDP से आप ये समझेंगे कि एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है, GDP में से आप अगर डिप्रिशिएशन को माइनस कर दे, डिप्रिशिएशन क्या होता है कि आपके मशीनों में कितना खर्चा आया है, मशीन कितनी काम कर चुकी है, ठीक है, कितना लेबर को पैसा दिया आपने, कितने आपने नई बिल्डिंग्स बनाने में पैसा लगाया, तो इन सब खर्चों को हटा के जो भी आपके पास प्रोडक्शन आएगी वो आप ही कहलाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है कि टोटल कितनी आई आपके पास, कि आपने अपने खर्चे वगैरह सब कुछ हटा दिए, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है वो कहलाता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, GDP समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर, सेम वही है, एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसके साथ आपको क्या माइनस करना है, वहां पे एक चीज आपको माइनस करनी है कि बाहर की फॉरेन कंपनीज जो हमारे यहाँ पे मुनाफा कमा रही है उसको माइनस कर दो, और ऐड क्या कर दो कि भारत का कोई भी सिटीजन और कोई भी कंपनी भारत में या भारत से बाहर जो भी मुनाफा कमा रही है उसको ऐड करके हमारा निकाला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आंसर था हमारा ऑप्शन सी। इन इकोनॉमिक्स बाइंग एन एसेट इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग एन आइडेंटिकल एसेट इन अदर मार्केट एट हायर प्राइस। इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं, आपने कोई एक वस्तु खरीदी आप कम प्राइस, मान लीजिए 10 रुपए में खरीदी, आपने किसी दूसरे मार्केट में जाके उसको बेच दिया है 50 रुपए में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो आपने ऊंचे दामों पे जो चीज बेची है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स की टर्म में हम बात करें इसको कहा जाता है अंतरपणन या आर्बिट्रेज। ठीक है, आर्बिट्रेज इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी। देखो एक ऑप्शन देखो बी की बात करते हैं, मॉर्गेज या बंधक क्या होता है। मॉर्गेज वो होता है कि आपने बैंक से लोन लिया, बैंक क्या करता है कोलेटरल यूज करता है कि मान लीजिए आप अगर लोन नहीं चुका पाए तो हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है। तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास तो वो कंडीशन कहलाती है बंधक या मॉर्गेज कहलाती है, कि बैंक के एग्रीमेंट हुआ आपके और बैंक के बीच में, अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज को बैंक को बेचना होगा, और यह कंडीशन कहलाती है मॉर्गेज या इसको बंधक कहा जाता है। ठीक है, एंड स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी दैट हैज ऑपरेटेड फॉर मेनी इयर्स। शेयर किसी बड़ी अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित हो रही वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर क्या कहलाता है। इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो यह कहलाती है ब्लूचिप। ब्लूचिप कौन सी कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज के शेयर होते हैं जो कि काफी बड़ी कंपनियां से बहुत टाइम से वो एस्टेब्लिश है। समझ में आ गई कि बहुत टाइम से वो मार्केट के अंदर है, बहुत ही बड़ी कंपनियां बहुत सालों से काम कर रही है, तो उन्हीं उन कंपनियों के स्टॉक को कहा जाता है ब्लूचिप। समझ में आया, ऑप्शन सी। इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एट इट्स प्राइस इंक्रीज। उस प्रकार की वस्तु का नाम बताना है आपको कि गुड्स कौन सी होती है, अगर उनके प्राइस भी बढ़ेगा, अगर उनका दाम बढ़ जाता है फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती, डिमांड बढ़ जाती है।
तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं गिफन गुड्स, या इनका एक नाम और है इनफीरियर गुड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आपकी डेली यूज की चीजें, आपको मिल्क चाहिए, ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, ये आपकी डेली यूज की चीजें हैं। अगर मान लीजिए आटे का प्राइस बढ़ भी जाता है, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो भी हो जाता है, फिर भी आपको आटा खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आटे के बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, आपको दूध चाहिए, ठीक है, दही चाहिए, ये चीजें क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इनका प्राइस भी बढ़ेगा फिर भी आप ये चीजें खरीदना पसंद करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लो कि लग्जरी गुड्स ले लो, मान लीजिए कोई महंगे परफ्यूम्स है, अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो आप कभी नहीं खरीदना चाहेंगे, तो वो एग्जांपल नहीं होंगी गिफन गुड्स का। समझ में आ गया? गिफन गुड्स सब क्या होती है, छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको गिफन गुड्स कहा जाता है। जैसे लग्जरी वगैरह मान लीजिए ऑप्शन में दिया होगी, इनमें से गिफन गुड्स को पहचानो, तो लग्जरी हमारे गिफन गुड नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर लग्जरी का प्राइस बढ़ेगा, परफ्यूम्स इनका प्राइस बढ़ेगा, तो आप नहीं खरीदना चाहोगे, लेकिन बेसिक चीजों को आप बढ़े हुए दाम पे भी खरीदना चाहते हो। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है आईपीओ। मतलब इनिशियल मतलब पहली बार किसी शेयर्स को बाजार में बेचना, वो कहलाता है आपका आईपीओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अर्थशास्त्रियों के लिए रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय। इसका देखिए क्या जवाब होगा कि आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग टू बाय, कि लोग कोई चीज खरीदना चाहते हो, आप मार्केट में कोई चीज क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। जरूरत का मतलब क्या है कि आपकी डिमांड है, मांग है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए। और उस मांग की पूर्ति करना क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला है हमारा शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन अ पर्टिकुलर इनकम लेवल। आप बाजार में कुछ खरीदना चाहते हो तो आप एक अपना बजट बना के जाते हो कि मुझे इतने इतने अमाउंट का या इतने पैसे के अंदर फोन चाहिए, तो वो जो अमाउंट है कि आप इतना इतने पैसे तक का फोन अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका बजट। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है बजट लाइन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, अ सेविंग फंड इन विच बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई इज कॉल्ड। वह बचत निधि जिसके अंदर कर्मचारी के हित में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही नियमित रूप से योगदान करते हैं उसको कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। पीएफ का नाम आपने जरूर सुना होगा, प्रोविडेंट फंड उसको कहा जाता है। निमी ने गलत जवाब दिया, डिमांड लाइन बच्चे जवाब दे रहे, डिमांड लाइन नहीं होगा, बजट लाइन उसका होगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रशांत ने सबसे पहले सही जवाब दिया, वेरी गुड प्रशांत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज अ नवरत्न कंपनी, निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न है, ये आपको बताना है। कल की क्लास में हम मैंने एक बार, आप मेरे कल का लेक्चर देखेंगे, मैंने नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनीज के बारे में आपको समझाया था, उनकी संख्या भी बताई हुई थी, तो हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नवरत्न कंपनीज के बारे में बता दूंगी। नवरत्न कंपनीज की संख्या कितनी है भारत के अंदर, 16, 16 कंपनियां हैं जो जिनको नवरत्न कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं पहले। EIL ये जो है नवरत्न कंपनी है, ऑप्शन डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब जो कंपनीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कंपनीज एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, 16 की 16 तो याद नहीं रख सकते हो आप, लेकिन मैं कुछ कंपनीज का नाम बता रही हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बेल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इसका नाम याद रखना, EIL का नाम याद रखना, ठीक है, EIL हमारे ऑप्शन में है ही। HAL बहुत बार एग्जाम में आती है, HPCL, NACL, MTNL का नाम भी सुना होगा, MTNL, OIL, ऑयल, और PFCL, RECL और PGCIL, ये सारी कंपनीज है नवरत्न कंपनी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपनीज को ना आप इनकी नाम याद रख लीजिए, क्योंकि 16 की 16 याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप याद रख सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं रख सकते तो आप इतनी कंपनीज का नाम तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI। बैंक क्या करते हैं कि मान लीजिए उनके पास पैसे की कमी हो गई है, ठीक है, तो आपने थोड़े टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए बैंक जो है वो लोन लेता है RBI से, हमारे बैंक RBI से लोन लेते हैं, तो जिस रेट के ऊपर वो लोन लेते हैं उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है बैंक रेट।
बैंक रेट और बेस रेट में कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बैंक रेट होता है कि जब हमारे बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, और बेस रेट होता है कि आरबीआई फिक्स करता है बैंक को, बैंक के लिए कि आपको कस्टमर को इतना इंटरेस्ट रेट पे देना है लोन या जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। बैंक रेट और बेस रेट में ये फर्क है, बैंक रेट हमारा सही जवाब होगा। अगला देखो, बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आईरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स माइक्रो एटीएम लेबल्स टैबलेट्स। कौन से बैंक के द्वारा अभी एक प्रोसेस स्टार्ट की गई है और वो उसी के साथ पहला बैंक बन गया है पूरे देश का जिसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन। आपने फेस रिकॉग्निशन का फीचर सुना होगा, ठीक है, फिंगर रिकॉग्निशन का सुना होगा। एक सिस्टम होता है कि आयरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन। आयरिस क्या होता है, आपकी आई वाला पार्ट होता है जो आपकी आई के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसकी स्कैनिंग होके आपकी आइडेंटिटी पता लगेगी। तो यह फीचर किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपसे पूछा है। यह शुरू किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। बढ़ती का नाम जिंदगी इज अ टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। बढ़ती का नाम जिंदगी कौन से बैंक की टैगलाइन है। बैंकों की कुछ टैगलाइंस होती है, उनको प्रमोट करने के लिए बैंक अपने कुछ एक कोट्स बनाते हैं या टैगलाइन बनाते हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी जिस बैंक की टैगलाइन है वो है एक्सिस बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। आपको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, ठीक है, नहीं पता तो अभी पढ़ लो। एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। नाम से पता लग रहा है माइक्रो छोटी होती है, मैक्रो बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कौन से लेवल के ऊपर आप स्टडी करते हो, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंसान के लेवल पे, एक कंपनी के लेवल पे, एक ग्रुप के लेवल पे, एक समुदाय के लेवल पे आप अगर चीजों का अध्ययन करते हो तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमी। अगर आप पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे भारत की इनकम पे, जैसे नेशनल इनकम हुआ, या नेशनल लेवल के ऊपर आप चीजों को अध्ययन करते हो तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये इसका सेपरेट डिसिप्लिन किसके द्वारा दिया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन मैनोर्ड किन्स के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया, इसको सेपरेट उसके अंदर डिसिप्लिन में रखा गया था, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। आईएफएससी कोड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर्टिकुलर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होती है आपसे पूछा है, इसका सही जवाब होगा हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी होता क्या है कि हर एक बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच होती है, जैसे एक बैंक की बहुत सारे जगहों पे ब्रांच होती है, उन पर्टिकुलर ब्रांचेस का एक आईएफएससी कोड दिया जाता है, समझ में आई, वो कहलाता है आईएफएससी कोड। विद रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, आपने कभी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए होंगे तो आपने नेफ्ट या आरटीजीएस दो चीजें आपने जरूर सुनी होंगी। नेफ्ट की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म होती है नेफ्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछी गई है आरटीजीएस की फुल फॉर्म। अभी नेफ्ट की हमने देख ली, आरटीजीएस की बताओ क्या सही जवाब होगा, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। 28th के लिए सही जवाब होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। देखो नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस होता है एक छोटा सा, क्या डिफरेंस होता है मैं समझाती हूँ। नेफ्ट में क्या होता है, आप कभी भी जाते हो, नेफ्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप एक इंसान के बैंक अकाउंट से दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है नेफ्ट के अंदर कि जो पैसा आप भेजते हो वो पूरा अमाउंट एक साथ में नहीं जाता, वो कुछ टाइम पीरियड में जाता है, जैसे कुछ एक साइकिल लगा लो कि अभी आधा पैसा अभी गया, आधा पैसा थोड़ी देर बाद जाएगा, आधा पैसा ऐसे जाएगा, पूरा पैसा एक बार में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन आरटीजीएस में क्या होता है कि पूरा पैसा एक बार में ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बैंक अकाउंट में, तो ये इन दोनों में डिफरेंस, और आरटीजीएस ज्यादा बेटर होता है नेफ्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टेट टैक्स इन इंडिया। स्टेट टैक्स पूछा यहाँ पे कि कौन सा टैक्स जो है स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो स्टैंप ड्यूटी बच गया एंड रजिस्ट्रेशन, ये किसके द्वारा लगाया जाता है, हमारे स्टेट के द्वारा। और एग्जांपल देख लो, जो स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं एग्रीकल्चरल टैक्स हुआ जो भी, ठीक है, एग्रीकल्चरल टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। प्रोफेशन टैक्स हुआ आपका कोई भी, ठीक है, वो टैक्स भी लगाया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, निम्न में से कौन सा आरबीआई का एक गवर्नर नहीं रहा, ये आपसे पूछा है. आरबीआई का जो गवर्नर नहीं रहे हैं वो उसका सही जवाब होगा हमारा डी, एमएस गिल जो है वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं. ठीक है, आरबीआई बैंक की स्थापना होती है 1935 के अंदर. ठीक है, 1935 के अंदर. और आरबीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट्स इसी क्वेश्चन में कवर कर लेते, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए. आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए कि पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो वो एक ब्रिटिश थे, भारतीय नहीं थे. ओसबोर्न स्मिथ नाम याद रखना, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, भारतीय नहीं थे. ठीक है, और पहले इंडियन गवर्नर की बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम क्या लेंगे हम, सीडी देशमुख. वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई बैंक के. ठीक है, ये चीज हुई. एक इंपॉर्टेंट चीज कि आरबीआई बैंक के 15th नंबर के हमारे एक गवर्नर थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह. ये चीज भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आती है. ठीक है, अब देखो एक चीज और अभी आपको बताना है कि अभी हमारे 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई बैंक के, जिनका नाम है शक्तिकांत दास. ये नाम भी आप याद रख लीजिए. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे में कवर करते हैं कि सबसे बड़ा कार्यकाल कौन से आरबीआई गवर्नर का रहा, लॉन्गेस्ट कार्यकाल किसका रहा. सबसे ज्यादा बड़ा कार्यकाल रहा हमारा बेनेगल रामा राव का, बेनेगल रामा राव का. ठीक है, और सबसे छोटा कार्यकाल आरबीआई का किसका रहा, सबसे छोटा रहता है अमिताव घोष का. ये मैंने आपको सारे आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और 1935 के अंदर आरबीआई की बैंक की स्थापना हुई थी. ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1935 में आरबीआई बैंक सेंट्रल बैंक बना भारत का. आरबीआई से पहले, 1935 से पहले भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा था, तो आपका जवाब होगा इंपीरियल बैंक. इंपीरियल बैंक जो कि ब्रिटिशर्स का बैंक था, उनके द्वारा स्थापना की गई थी, वो पहले भारत का सेंट्रल बैंक था, उसके बाद 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की जाती है. सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा. हु वॉज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल, किस अर्थशास्त्री के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटिफुल की रचना की गई थी, आपको ये बतानी है. ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल की रचना की गई थी ऑप्शन सी, E.F. Schumacher के द्वारा. ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है, एक बुक है जो कि ये जर्मनी के ऑथर थे, इनके द्वारा लिखी गई थी. और इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों चीजों का यहाँ पे मिश्रण दिया गया है. अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो काफी अच्छी बुक है, और E.F. Schumacher के द्वारा इसको लिखा गया था. करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन, भारत का करेंसी मुद्रणालय कहाँ पे स्थित नहीं है. तो भारत की प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ चार जगहों पे स्थित है, उन चारों जगहों के नाम याद रखो. सबसे पहले स्थित है देवास के अंदर, देवास कहाँ पे है, एमपी के अंदर. ठीक है, दूसरी कहाँ पे स्थित है, मैसूर के अंदर. मैसूर कहाँ पे है, आपका कर्नाटक के अंदर है. एक और है वो स्थित है सालबोनी के अंदर, सालबोनी कहाँ पे, आपकी वेस्ट बंगाल में है. और फोर्थ नंबर की स्थित है नासिक के अंदर, नासिक आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर. सिर्फ चार जगहों पर ही भारत की प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, तो आपका आंसर निकल के आ गया कोची, कोचिंग में ये नहीं प्रेजेंट है. बाकी तीन ऑप्शंस और एक चौथा कौन सा है, नासिक, इन चारों जगहों पर भारत की प्रिंटिंग प्रेस काम करती है. ठीक है, नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, की अर्थशास्त्र के अंदर जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, सुधार आए हैं, उनका जनक किसे कहा जाता है, उनका जनक कहा जाता है. इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर थे ये, भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 1991 से लेके 1996 तक का इनका कार्यकाल था. इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव. ठीक है, कौन से पार्टी से इनका संबंध था, आईएनसी से, नेशनल कांग्रेस से. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है. तो भारत की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. क्यों, क्यों मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि भारत में पब्लिक सेक्टर से हमेशा मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर से. ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, आपने देखा होगा भारत के अंदर प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर काम करते हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स इकोनॉमी. समझ में आया, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन से कथन भारत के निर्यात आयात बैंक के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है. इसका सही जवाब क्या होगा, एक्सिम बैंक भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से जो भी लेन देन होता है वो इसी बैंक के द्वारा किया जाता है. ठीक है, पहली बात.
इसकी स्थापना होती है 1982 के अंदर इस बैंक को बैंक की स्थापना की गई थी। ये करता क्या है कि भारत में जो भी एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे देशों के साथ उसका क्या करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एक्सपोर्ट्स का। पहला पॉइंट ठीक हो गया, सेकंड पॉइंट ठीक हो गया, ये क्या करता है ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, सही हो गया। लेकिन इसकी स्थापना 2014 में नहीं 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। Who among us is following is not one of the four main factor of production. उत्पादन के लिए आपको सिर्फ चार चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चार चीजें आपको चाहिए? मान लीजिए आपको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए लैंड। लैंड, जमीन आपने खरीद ली, जमीन के बाद आपको क्या चाहिए, वहां पे काम करने वाले लोग चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेबर के बाद आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपको मनी चाहिए, जिसको वेज कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। दूसरा, आपको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उस बिल्डिंग को बनाने में डायरेक्शन दे सके, आर्किटेक्ट आप कह सकते हो। तो आप किसी भी, आपको प्रोडक्शन करनी हो कोई भी चीज को, आपको सिर्फ चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन में हमारा क्या गलत हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा गलत जवाब हो गया है। Which of the following bank is not a public sector bank? Public sector bank नहीं है, उसको आपको चूज करना है। Public sector से मतलब होता है हमेशा government sector। तो इनमें से कौन सा एक government bank नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड एक गवर्नमेंट बैंक है, कैनरा बैंक भी एक गवर्नमेंट बैंक है, SBI का आपको पता ही है, लेकिन इंडस इंड बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिनेम्ड एज इन 1955 के अंदर इम्पीरियल बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं, जवाब देख लेते हैं। SBI, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो अब क्या इसके बारे में एक छोटी सी चीज समझते हैं। 1921 के अंदर जब ब्रिटिशर्स का राज था, एक बैंक की स्थापना होती है जिस बैंक का नाम है इम्पीरियल बैंक, ठीक है। RBI की स्थापना से पहले, 1935 की स्थापना से पहले अगर भारत का सेंट्रल बैंक कोई था, वो बैंक था इंपीरियल बैंक, ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ, 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके कर दिया गया SBI बैंक, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक को में के अंदर कौन से तीन बैंक थे, कौन से तीन बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 के अंदर। उन तीनों बैंकों के नाम आपको याद रखना है, मैं सिर्फ पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, या इसको प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिला के कहा जाता है इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 के अंदर हुई थी, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था SBI। When was NABARD established? National, ये NABARD की स्थापना कब की गई थी आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। NABARD की स्थापना की गई थी 1982 के अंदर, 1982 इज द राइट आंसर। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बिकम अ पब्लिक कंपनी। निम्न में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला बंदरगाह भारत का जिसको कंपनी बनाई गई थी वो बंदरगाह है आपका इंदौर। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है, इंदौर पोर्ट लिमिटेड। अब ये कंपनी बन चुकी है, इसको कंपनी बनाया गया था 1999 के अंदर, इस पोर्ट को एक कंपनी के रूप में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है आपका, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है कांडला पोर्ट। मैंगलोर का आपको पता है कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। और मोरवो गांव कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। इन पोर्ट्स के जो लोकेशन भी पूछी जाती है वो भी आपको पता लग गई होंगी। और इंदौर पोर्ट जो है भारत का पहला ऐसा पोर्ट था जिसे कि एक पब्लिक कंपनी बना दिया गया था, ठीक है। नेम ऑफ UTI बैंक हैज चेंज टू इन 2007, 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर उसे क्या कर दिया गया? UTI बैंक का जो पुराना नाम था वो था, UTI बैंक का जो नया नाम है वो चेंज करके कर दिया है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, UTI बैंक है। 2007 में UTI बैंक से इसे चेंज करके एक्सिस बैंक में इसका नया नाम रख दिया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, कहाँ पे है, मुंबई, ठीक है। एक और पूछा जाता है एग्जाम में SBI के बारे में कि SBI का पुराना नाम क्या था। SBI बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक का नाम बदल के SBI बैंक रख दिया गया था, ठीक है। तो दो बैंक जो है काफी इंपॉर्टेंट है,
एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जीएसटी काउंसिल जो है वो गवर्निंग बॉडी होती है जीएसटी के लिए, मतलब जीएसटी के जो भी कार्य है, कितना टैक्स लगेगा, कितना स्लैब होगा, जीएसटी के साथ जितने भी कार्य होते हैं वो सब इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। और कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 33 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 33 मेंबर्स होते हैं और इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल में स्टेट के भी मेंबर्स होते हैं, उसके साथ साथ सेंटर के भी मेंबर होते हैं, दोनों याद रखना है। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 33 टोटल मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और हेड होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जीएसटी काउंसिल की हेड है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कब होता है, सरकार के कुल राजस्व, मतलब सरकार का जो टोटल इनकम है और सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको अगर माइनस कर देते हो तो आपके सामने निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। राजकोषीय घाटा कब होगा कि गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई निम्न में से किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है। आरबीआई सभी को पता होगा सेंट्रल बैंक है, पूरे देश के अंदर आरबीआई का कानून चलता है, आरबीआई कार्य करता है हर स्टेट के लिए, लेकिन एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके व्यवसाय और लेन देन आरबीआई नहीं करता है। तो आई थिंक आप सभी पहचान पा रहे हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर सही आंसर होने वाला है, जम्मू कश्मीर इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर कि भारत की राजकोषीय नीति दैट इज फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। चार ऑप्शंस हैं, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, डिफरेंट बैंक्स, काफी मिलते जुलते हैं सारी चीजें। तो फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है ये आपको बताना है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का कितना खर्चा होने वाला है, गवर्नमेंट को कैसे अपने खर्चे को मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, कैसे टैक्स को करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये सारी चीजें सरकार की फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती हैं, इसको मैनेज करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक पूछी जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कौन फॉर्मुलेट करता है, तो याद रखना इसको आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो आरबीआई आंसर होगा, फिस्कल पॉलिसी होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्वेश्चन ये पूछा है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कौन से नहीं रहे हैं, तो मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन भी रहे हैं, लेकिन सुनील अरोड़ा आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुनील अरोड़ा अभी करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा, और वो गवर्नर नहीं रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कभी भी। ऑप्शन बी जो है वह यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, हाउ मैनी डिजिट आर देयर ऑन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपने देखा होगा आपने, लेकिन कभी भी डिजिट काउंट नहीं किए होंगे ना उसके अंदर, टोटल डिजिट वहाँ पे होती है 16। तो आप कभी भी आप डेबिट कार्ड अपना यूज करोगे, अपना एटीएम यूज करोगे, उसमें जरूर देखना कि जो डिजिट होती है वो काउंट करना कितनी डिजिट होती है, तो 16 डिजिट वहाँ पे होती है। तो शुरू की 6 डिजिट होती है वो बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि कौन से बैंक का आपका कार्ड है, बाकी की जो 10 बच जाती है वो आपका यूनिक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। जो बाकी की लास्ट 10 डिजिट होती है वो यूनिक अकाउंट नंबर होता है, और शुरू की 6 डिजिट
बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, और टोटल 16 डिजिट होती है डेबिट कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की हम बात करें, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक ज़मीन चाहिए, जिस ज़मीन पर चाहे आप खेती कर रहे हैं, आप लैंड, आप कोई भी एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ज़मीन चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लैंड, ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, आपको उस लैंड पे काम करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, पूंजी चाहिए होगी, तो कैपिटल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। पूछा ये गया क्वेश्चन में कि उत्पादन का कारक नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल, लेबर, और आपको वहाँ पे आपने ज़मीन ली, आपने खेती की, कुछ भी आपने किया, आपने बिल्डिंग बनाई, आपको वहाँ पे क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए, लोग काम करने वाले भी चाहिए। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, मतलब उस बिल्डिंग को तो कोई बना रहा है लेकिन उस बिल्डिंग को बनाएगा कौन, जो इंटरप्रेन्योर होता है कि आपकी, जैसे आपकी ज़मीन है आपकी बिल्डिंग है, या कहो कि किसी किसान की ज़मीन है, तो वो किसान उस केस में इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, और आप अगर बिल्डिंग या रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो किसी भी फैक्टर की प्रोडक्शन के लिए आपको चार फैक्टर चाहिए, पहला आपको ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, दूसरा लेबर चाहिए, तीसरा कैपिटल चाहिए, फोर्थ आप खुद बनाने वाले एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है, लेकिन टैक्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्म्ड बाय, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में जब फिस्कल पॉलिसी देखा था वहां पे साथ में ही मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अभी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में आरबीआई अपनी एक पॉलिसी निकालती है कि कैसे इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा किया जाए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, तो इस पॉलिसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति में क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएलआर होता है, सीएलआर, जो ये टर्म लिख रही हूँ सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी में, इनमें से कौन सी टर्म यूज होती है, तो आपको याद रखना है एसएलआर, सीएलआर, बैंक रेट, रेट में भी चेंजेस होते हैं, इसके बाद रेपो रेट में भी चेंजेस होते हैं, रेपो रेट और साथ साथ में रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पांच छह टर्म्स तो आपको याद रखनी है, ये तो डेफिनेटली एग्जाम में एक आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा, ये तो सारी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मोरल सुएशन भी होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल भी होते हैं, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको लिख के दिया है ये आपको टर्म्स, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में इन चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, बड़ौदा से याद रखो वडोदरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिलता जुलता है बड़ौदा से वडोदरा, तो इस प्रकार से ट्रिक बना लो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूको बैंक, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है, ये आपसे पूछा गया है, आपको टैगलाइन यहाँ पे पहचाननी है, जितने भी बैंक हैं उनकी टैगलाइन जो दी गई है आप उनको याद कर लेंगे क्योंकि एक टैगलाइन जरूर पूछी जाती है, तो यूको बैंक की जो टैगलाइन है वो है ऑनर योर ट्रस्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, ये कौन से बैंक की ये टैगलाइन है ये याद रखना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ये टैगलाइन है, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फेथफुल एंड फ्रेंडली, ये किसकी टैगलाइन है ये याद रखना, सिंडिकेट बैंक की, ठीक है, और एक लास्ट बची है गुड पीपल टू बैंक विद, ये किसकी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, यूनियन बैंक, ठीक है, तो ये बैंक के नाम आपको याद रखने हैं, इनकी कुछ टैगलाइंस दी गई है, टैगलाइन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है, रानी की वाव कहाँ पे है, ये है गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आता है, तो ये पूछा गया है कौन से करेंसी नोट पे इसका जो मोटिफ है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया था कि दोबारा से 100 रुपए के नोट जो है रिलीज किए जाएंगे, तो उस पे जो मोटिफ होगा वो रानी की वाव का होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, 100 रुपी नोट। इसके साथ साथ याद रखना सांची स्तूप का मोटिफ कहाँ पे है, सांची स्तूप का भी याद रखना, इसकी तस्वीर कौन से नोट पे है, तो 200 रुपए के नोट के ऊपर किसकी तस्वीर है, सांची स्तूपा की,
और रानी की वाव की बात करें तो 100 रुपए के नोट के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसके लिए सही जवाब होगा महिंद्रा कंपनी, बहुत ही बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंफोसिस भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है, लेकिन यूनिलेवर कंपनी जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। ये कहाँ पे है, ये ब्रिटिश और डच ने मिलके इस कंपनी को बनाया है और ये भारतीय मूल की कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यूनिलेवर जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्न में से किसकी तस्वीर मौजूद है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है, 2000 का, 100 का और 200 का नोट हम देख चुके हैं, अब बात करते हैं 2000 के नोट की। 2000 के नोट को कभी आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर है, मंगलयान की। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। साथ ही स्तूप मैंने अभी बताया 200 रुपए के नोट पे है, 100 रुपए का नोट भी हमने देख लिया, रानी की वाव की तस्वीर 100 रुपए के नोट पे है, ठीक है। तो 100, 200, 2000 तीनों नोट के जो मोटिफ है वो आपको याद रखना है कि किसकी तस्वीर उनके ऊपर लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक लोकेटेड, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे होगा, इलाहाबाद में होगा, लेकिन ये गलत है। काफी बच्चे सोचेंगे कि इलाहाबाद में ही होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर, जब इसका निर्माण हुआ था इस बैंक का, ये बैंक बना था 1865 में, तो इलाहाबाद के अंदर ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन अभी ये कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर है। ऑप्शन डी याद रखना, कोलकाता में कहाँ हेडक्वार्टर है इलाहाबाद बैंक का, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज को फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन से है, को फाउंडर पूछा गया है फ्लिपकार्ट के, नाम याद रखना बिन्नी बंसल। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, बिन्नी बंसल। निम्न में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट पब्लिश आईआईपी, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका पब्लिश कौन करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मतलब कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को देखने के लिए कुछ पब्लिश करता है डिपार्टमेंट, कुछ इंडेक्स निकालता है जिसके बेस पे आपको पता लगता है कि ग्रोथ कितनी होने वाली है, कौन कौन सी कौन कौन सी जो उद्योग हैं भारत के अंदर, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, इसलिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है इस प्रकार का एक इंडेक्स निकालता है वो डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ऑप्शन ए CSO कहते हैं इसे, CSO। ये मंथली बेसिस है, मतलब हर महीने हर कंपनी की मंथली बेसिस पे इंडेक्स निकाला जाता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या रही है, जिससे भारत की ग्रोथ का भी हमें पता लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ब्रेकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज बीन चोजन बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड टू फीचर ऑन ब्रिटेन्स न्यू E50 नोट। जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था उसमें कोड ब्रेकर थे जिनका चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया है। तो जो कोड ब्रेकर थे उनका नाम है एलन ट्यूरिंग, याद रखना। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। जीएसटी का जब काउंसिल आई थी उसमें हमने मेंबर्स देखे थे, टोटल मेंबर कितने थे, 33 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका हेड कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड होता है जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मार्क आर नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सुमेलित नहीं है, ठीक है। एग मार्क की बात करें तो ए जी से याद रखना एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए जो मार्क दिया जाता है उसे एग मार्क कहते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। हॉल मार्क, जैसे आप सोना या चांदी की ज्वेलरीज खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हॉल मार्क उस पर लगा हुआ है नहीं है, तभी आप सोने की शुद्धता या गारंटी का एक सबूत होता है। ऑप्शन बी भी सही है। FPO प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, ये भी सही है। ISI किसके लिए यूज होता है, सेमी प्रोसेस्ड, ये गलत है। ISI किसके लिए यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है ISI। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, देखिए भारत के इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो उसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी,
एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होती है, छोटी छोटी चीजें, जैसे फिशिंग होगा, ठीक है। फिशिंग के बाद माइनिंग आप ले सकते हो, एग्रीकल्चर ले सकते हो, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आप देखिए, एग्रीकल्चर तो आपने किया, ठीक है, एग्रीकल्चर से आपने कोई भी फसल उगा ली। अब उस फसल की प्रोसेसिंग कहाँ पे होंगी, कंपनीज में होंगी। तो प्रोसेसिंग जो भी होना, प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ये सारे काम कौन से सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अब आपने बिल्डिंग भी बना ली, मान लो आपने कपास उगाई, ठीक है, कपास की खेती की, एग्रीकल्चर, तो कपास की खेती करना प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद आपने कपास को उगाया, आपने कंपनीज को बेच दिया। अब कंपनीज क्या करेंगी, उसकी प्रोसेसिंग करेंगी, उससे जो है कॉटन के क्लॉथ बनाएंगी, ठीक है। अब कॉटन के सूती कपड़े बनाए उन्होंने, जो कपड़े बनाने वाले प्रोसेस है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब क्या करेंगे, उनकी सर्विस करेंगे। मान लीजिए आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगवाते हैं, तो वो क्या करती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या है, सर्विस कंपनीज है, आपके घर पे डिलीवरी करती है, सर्विस देती है आपको। तो जो ये सर्विस सेक्टर है, इसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स के जो ऑपरेटर्स है, BSNL, MTNL, ये सब क्या है, ये सर्विस ऑपरेटर आपको सर्विस दे रहे हैं फोन की, तो सर्विस सेक्टर आता है टर्शरी में, ठीक है। तो पूछा गया है प्राइमरी एक्टिविटी इनमें से कौन सी नहीं है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, कंस्ट्रक्शन हमने कहाँ देखा, सेकेंडरी सेक्टर में देखा, माइनिंग भी प्राइमरी में आता है, मछली पालन भी प्राइमरी में आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन तीनों के अलावा वैसे एक और सेक्टर भी होता है जिसको कहते हैं क्वाटनरी सेक्टर। उसके अंदर क्या होता है, जो भी रिसर्च के काम होते हैं, रिसर्च हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब आते हैं क्वाटनरी सेक्टर में। लेकिन मेन अगर हम परिभाषा करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सिर्फ तीन सेक्टर में ही हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, दोबारा से क्वेश्चन आ गया है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। टोटल क्षेत्र होते हैं तीन, जो हमने देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। क्वार्टनरी भी वैसे होता है, लेकिन उसे क्लासिफाई नहीं किया गया है, उसे मानते हैं कि ऐसा एक सेक्टर होता है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो क्लासिफिकेशन में नहीं आता। हम तीन ही सेक्टर को गिनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट। भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती हैं। आपने कभी इंडियन करेंसी नोट अगर आपने देखा है, तो आपने उसमें देखा होगा कुछ लैंग्वेजेस में लिखा होता है। भारत के अंदर टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। उसमें से नोट के ऊपर लैंग्वेज जो प्रिंटेड होती है वो है 15 लैंग्वेजेस वहाँ पे प्रिंटेड होती है। सबसे टॉप के ऊपर कौन सी लैंग्वेज होती है, SMEs होती है, और सबसे बॉटम के नीचे जो बॉटम में जो लैंग्वेज आती है वो लिखी होती है उर्दू, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। टोटल कितने लैंग्वेजेस लिखी होती है, 15 लैंग्वेजेस जो है लिखी होती है, ठीक है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सिंडिकेट बैंक लोकेटेड। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। सही जवाब क्या होगा, सिंडिकेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कौन से राज्य में है भारत के, वो है मणिपाल के अंदर। ऑप्शन सी याद रखना, मणिपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल। निम्न में से कौन एक कार्यकारी पूंजी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है मनी, मनी या कैश, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो एक चीज समझो, कार्यकारी, सबसे कोई भी आप काम करो, एनीथिंग, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, शॉपिंग पे जाते हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको कैश चाहिए, आपको मनी चाहिए होता है। बिना मनी के तो आप ऑटो से कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें मनी चाहिए, कैश हमें चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है मनी। तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपके डे टू डे बेसिस को, आपके जो प्रतिदिन की जो आपकी दिनचर्या है उसको चलाने के लिए आप जिस मनी का यूज करते हो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे आपको सुबह क्या खाना है, दूध पीना, आपको दही खाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, पैसे से ही तो आप वो चीज़ खरीद के लाएंगे। तो आपके डेली जो आपके दिनचर्या है उसे कार्यों को पूरा करने के लिए जिस कैपिटल का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का दूसरा ही नाम इसे मुद्रा कहते हैं या इसे कैश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, मनी, मनी का ही, मनी को ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द मोटिफ ऑफ सांची स्तूप इज प्रेजेंट। किस
इस नोट पर सांची स्तूप का चित्र मौजूद है। पिछले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ मैं आपको, 100 के ऊपर किसका देखा था, रानी की वाव। 2000 के नोट पे क्या देखा था हमने, मंगलयान। अब बात हुई 200 के नोट की, तो 200 के नोट पे है सांची स्तूप, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 100 का हमने क्या देखा, दोबारा से याद करवा देती हूँ, रानी की वाव ये कहाँ पे है, गुजरात में है। 2000 के नोट के ऊपर हमने क्या देखा, मंगलयान देखा, ठीक है। 200 रुपए के नोट के ऊपर क्या है, सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कौन से शहर में है, ए आई आई बी इसे कहते हैं, ए आई आई बी इसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में है, ये है चाइना की बीजिंग में, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि एशिया पैसिफिक के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो सब कौन करवाता है, इसी बैंक के द्वारा किया जाता है। शंघाई के अंदर कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है जो इम्पोर्टेंट है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई के अंदर है, ठीक है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फॉरन रिजर्व डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, सोना बिल्कुल यूज होता है इंटरनेशनल, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो गोल्ड का तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, ये तो आंसर जो है हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी पे आ जाओ, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक US डॉलर में अगर 70 रुपीज होते हैं, तो ये जो करेंसी चेंज करने की रेट होती है, कि मान लीजिए हम अमेरिका घूमने जाते हैं तो हम 70 रुपए के देके वहाँ का 1 डॉलर खरीदते हैं, तो ये जो करेंसी एक्सचेंज वाला होता है उसके हमें कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हें राइट्स को हम किस में यूज करते हैं, हम करेंसी चेंज करवाने के अंदर यूज करते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये भी क्या है, फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है। रिजर्व ट्रैंक पोजिशन, ये भी एक प्रकार का मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार से संबंधित है। कार्बन बॉन्ड्स जो है वो संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। रीजन क्यों है ये भी हमने समझा, आसान था, आप समझ भी सकते हैं, कार्बन बॉन्ड्स का संबंध नहीं है इंडियन फॉरेन रिजर्व से, ठीक है। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड और सर्विस, जीएसटी जो है इनमें से कौन सी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं होती है। जीएसटी के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन तीन चीजों को जीएसटी के परव्यू से अलग किया गया है। वो तीन चीजें क्या क्या है याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है अल्कोहल। इन तीनों को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, इन तीनों पे जीएसटी अप्लाई नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं जो कि राष्ट्रीयकृत कर दिए जाते हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो बैंक आते हैं, ऐसे समझो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो बैंक आते हैं उन्हें नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। लाइक एग्जांपल्स देखो, अलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक है, बंधन बैंक जो है वो एक प्राइवेट बैंक है, जैसे HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, ऐसे प्राइवेट बैंक है, वैसे ही बंधन बैंक भी एक प्राइवेट बैंक के अंदर आता है, एंड इट इज नॉट एन नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक का नाम बताना है, सही आंसर बताइए क्या होगा। इसके संस्थापक हैं एम चिदंबरम चेटियार, ऑप्शन ए याद रखना है, एम चिदंबरम चेटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO, निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। WTO का जो मेंबर नहीं है वो उसका नाम आपको बताना है। देखो, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, WTO के टोटल मेंबर होते हैं 164। अब इतने सारे मेंबर्स को आप याद नहीं रख सकते, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो याद कैसे रखोगे, वो कंट्रीज याद रखना जो इसके मेंबर्स नहीं है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज वैसे तो आती हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो टोटल 8 कंट्रीज है, उन 8 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, कहीं नहीं जाएगा ये क्वेश्चन। वो कंट्रीज इस प्रकार से, पहली ईरान याद रखना, ईरान के बाद याद रखना अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद सूडान, सूडान के बाद सर्बिया, सर्बिया के बाद बेलारूस याद रखना, बेलारूस, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्क
मैनिस्तान, उसके बाद अजरबैजान, ठीक है। ये 8 कंट्रीज याद रख लेना जो कि WTO के मेंबर नहीं है, एग्जाम में इन्हीं में से ही कवर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आंसर समझ में आ गया होगा कि ईरान जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि 164 कंट्रीज आप याद रखेंगे तो आपको एक कंट्री भी याद नहीं होगी। तो इसको याद करने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है, आपको इन 8 कंट्रीज के नाम को याद रखना है। मोस्टली कंट्रीज जो है एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइज इन प्लांट एंड मशीनरी। संयंत्र और मशीनरी के में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए। तो पूछा गया है माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में। आपने MSME का नाम सुना होगा। MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, ये फुल फॉर्म होती है MSME की, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। अब इनकी कुछ कुछ जैसे कि वैल्यूज होती हैं कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस प्रकार से इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो आइए उन वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो की। सबसे पहले माइक्रो जो इंटरप्राइज होते हैं, तो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना जो है निवेश कर सकते हैं। तो उनकी लिमिट कितनी होती है? उनकी लिमिट होती है मोर देन 25 लाख। 25 लाख कहाँ पे है? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो माइक्रो वाले होते हैं वो कितना कर सकते हैं, 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख तक कर सकते हैं इन्वेस्ट। आप देखो स्मॉल वाले कितना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर सकते हैं। मीडियम वाले कितने कर सकते हैं, ये 10 करोड़ से ऊपर तक ही ये कर सकते हैं। सॉरी एक सेकेंड, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम नजर आ रहा है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ। देखो माइक्रो की बात करें तो माइक्रो वाले जो है वो कितना कर सकते हैं, नॉट मोर देन 25 लैक्स आएगा। डी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, सी होगा। 25 लाख से नीचे नीचे तक जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन कर सकता है, माइक्रो वाले कर सकते हैं। तो लेस देन 25 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। जो स्मॉल वाले होते हैं वो 25 लाख से 5 करोड़ तक कर सकते हैं, और जो मीडियम इंटरप्राइज होते हैं वो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहते हैं MSP। तो MSP क्या होता है बेसिकली, भी जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सीजन है, क्रॉप का सीजन है, फसल उगाने का कोई सीजन है, उससे पहले गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक समझौता होता है, एक डील होती है कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो फसल उगाने जा रहे हो, जिसकी खेती होने जा रही है, उसका हम एक प्राइस फिक्स कर देते हैं। मान लो चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, आपकी फसल नहीं हो पाए, ज़्यादा आपकी जो पैदावार है वो नहीं हो पाए, रेट गिर जाए फसल के उसके, लेकिन हमने जो आपको प्रॉमिस किया हम उसी रेट पे आपकी फसल को खरीद लेंगे। इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये डिक्लेयर होता है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज गाइडेंस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर। भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसे कौन प्रिपेयर करता है, किसकी गाइडेंस में प्रिपेयर होता है, ये आपसे पूछा है। कौन सी मिनिस्ट्री इसे प्रिपेयर करती है, तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है इकोनॉमिक सर्वे को। और आपसे पूछा गया है किसकी गाइडेंस में प्रिपेयर होता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में इसको प्रिपेयर किया जाता है। बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलोज विच अप्रोच। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण पर अनुसरण करती है। तो प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझा हमने कि क्या होता है, उसमें कौन सी अप्रोच जो है यूज होती है, वो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। कौन सी अप्रोच वहाँ पे लगाते हैं, तो लागत प्लस अप्रोच वहाँ पे यूज होती है, लागत प्लस अप्रोच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट का निर्धारण कौन करता है। जब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताया था, इसे RBI लागू करता है। मैंने वहाँ पे कुछ टूल्स बताए थे, आपको याद हो तो मैंने ये कहा था ये टूल्स याद कर लेना, एग्जाम में टूल्स पूछे जाते हैं, उसमें रेपो रेट भी था, बैंक रेट भी था, रिवर्स रेपो रेट भी था, CLR, SLR ये सारी चीज़ें थी।
तो इनको कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, और ये किसके टूल है? ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नवरत्न कंपनी, निम्न में से कौन एक नवरत्न कंपनी नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नवरत्न कंपनीज की संख्या वैसे 16 होती है, इतनी सारी याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो जो मेन मेन है उनको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। मेन मेन क्या है, पहले ये देखते हैं इनमें से कौन सी एक नवरत्न कंपनी नहीं है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे बेल कहते हैं, बेल एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। RINL ये भी एक नवरत्न कंपनी है, HPCL ये भी नवरत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नवरत्न कंपनी नहीं है, और नवरत्न कंपनियां कुछ इस प्रकार से है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL कहते हैं ये भी नवरत्न कंपनी है, HPCL याद रखना, NACL याद रखना, MTNL याद रखना, ये सारे नवरत्न कंपनीज हैं, EIL याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी एक नवरत्न कंपनी है, PGCIL याद रखना, PFCL याद रखना, और RECL याद रखना। ये सारे जो इम्पोर्टेंट है नवरत्न कंपनीज जो एग्जाम में पूछे जा सकती हैं, वो मैंने आपको उनके नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि आपको एक नवरत्न कंपनी नहीं है उसको पहचानना है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट अ नवरत्न कंपनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल एजेंसी इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की ओर से कौन सी केंद्रीय एजेंसी ऐसी है जो मुद्रा नोट जारी कर सकती है? एकमात्र RBI ऐसा कर सकता है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी RBI जो है इसका राइट आंसर है। हु मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? तो बफर स्टॉक जो है कि लोगों के लिए आपको मतलब फूड प्रोडक्ट्स मिलते रहे, एक स्टॉक बना रहे ताकि इमरजेंसी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो उस वक्त आपको खाने के लिए कुछ मिल सके। तो ये जो इस प्रकार का जो इमरजेंसी का बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, इसे भारत में कौन बनाए रखता है, किसकी जिम्मेदारी होती है कि इमरजेंसी में इन चीज़ों को बनाए रखने की? इसके लिए सही आंसर होगा फूड से याद रखना, देखो फूड शब्द से याद रखना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका फुल फॉर्म क्या है, किसकी फुल फॉर्म है? FCI। FCI क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये गारंटी होती है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये मेंटेन करता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है? देखिए पूंजीगत वस्तु का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तु जिसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आप दूसरी पूंजी भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी दूसरी वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न करने में मदद करती हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, आपकी कोई कंपनी है, आपने मशीन खरीदी है, मशीन से क्या करेंगे, बहुत सारे कपड़े बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करेंगे, मशीन एक वस्तु है, तो मशीन यहाँ पे क्या कहलाती है, कैपिटल गुड कहलाती है, पूंजीगत वस्तु कहलाती है, क्योंकि मशीन की सहायता से आप दूसरी भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे ट्रक है, ट्रक की सहायता से आप जो है डिलीवरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, नई सर्विसेज को उत्पन्न कर सकते हैं, टूल्स को भी, जैसे टूल्स भी किसके काम में आते हैं, नई चीजों को बनाने के काम में आते हैं, लेकिन फूड एंड क्लोथिंग जो खाना आपने खा लिया उससे आप किसी और चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्लोथिंग जो कपड़े आपने पहन लिए, जो खरीद लिया आपने कपड़े, उससे आप किसी और चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पूछा है कि ये कैपिटल गुड नहीं है, तो ऐसी वस्तु जो है उसको पहचानना है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा फूड एंड क्लोथिंग, भोजन और वस्त्र जो है वो एक प्रकार की पूंजीगत वस्तु नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस लीडिंग टू द इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी आर विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द एक्सपेंसिस लीडिंग टू द इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, मतलब ऐसे खर्चे जो आप मान लीजिए दिनचर्या में अपने ऐसे खर्चे करते हैं जो किसी और चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो उन खर्चों को आप किस में गिनोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनना चाहेंगे, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर में गिनना चाहेंगे, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आप गिनना चाहेंगे? इस प्रकार के जो एक्सपेंसिस होते हैं उनको आप गिनते हो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। निवेश व्यय क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, आपने एक मशीन खरीदी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन से आप बहुत सारे कपड़े बनाएंगे, नई नई चीजों का उत्पादन करेंगे, तो
आपने खर्चा जहाँ पे लगाया है उससे आप नई चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस आप पे खर्चे होते हैं उन्हें हम इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं ना कि पैसे सेव करने चाहिए और इन्वेस्ट करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन। रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रा स्फीति को मापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का प्रयोग करता है, ठीक है। आरबीआई के बारे में पूछा गया है कि आरबीआई रेपो रेट को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, हमने काफी बार पढ़ा है, आरबीआई की एक पॉलिसी होती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई रेपो रेट और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करता है। क्लियर, ये बात समझ में आई। रेपो रेट को समझो कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, जो रेपो शब्द है उसका मतलब होता है रीपर्चेज, मतलब कि मैं तुमसे, तुम्हें कोई चीज ले रहा हूँ तुमसे, जैसे मान लो मैं अपनी बुक तुम्हें देके तुमसे कुछ पैसे ले रहा हूँ इस गारंटी के साथ कि मैं तुमसे अपनी पुस्तक को वापस खरीद लूंगा। जैसे ऐसे होता है ना सोना गिरवी रखना, कि आप सोना गिरवी रखते हैं फिर आप पैसे देके सोने को छुड़ा लेते हैं, उसी प्रकार से रेपो रेट होता है। इस रेट में क्या होता है, बैंक अपने कैश जो है वो आरबीआई बैंक के पास रखती है इस एग्रीमेंट के साथ, इस उसके साथ कि मैं दोबारा आपसे इसको परचेज कर लूंगा। सॉरी, कैश नहीं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जो बॉन्ड होती है, उन बॉन्ड को आरबीआई के पास रखता है किस वजह के लिए, कि मैं आपसे दोबारा जो है परचेज कर लूंगा। ये क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है कि बैंक के पास बिल्कुल पैसा नहीं और बैंक को आज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इस कंडीशन में बैंक यूज करता है रेपो रेट। रेपो रेट जो समझ में आया कि रेपो रेट क्या होता है, तो बैंक जो है आरबीआई से एक छोटे टर्म के लिए, एक छोटी सी कंडीशन मान लो आ जाती है, तो उसे एक छोटे टाइम पीरियड के लिए जो बैंक से लोन लेता है आरबीआई बैंक से, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपने बैंक के पास 100 रुपए जमा करवाए, ठीक है, आपने बैंक में सेविंग की, इस 100 रुपए में से बैंक को पैसे जाते हैं 90, और जो इसका 10% होता है वो जाता है आरबीआई को, और जो ये 10% का रेट है ये रेपो रेट होता है। क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ये 10% नहीं होता, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि किस प्रकार से आरबीआई का एक रोल होता है बैंक के पैसों के अंदर, ठीक है। तो आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट और मेजरिंग इन्फ्लेशन। तो आरबीआई से पूछा है ये कौन सा इंडेक्स इसके अंदर यूज होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर पहले 2014 तक, ठीक है, 2014 तक इंडेक्स यूज होता था WPI, लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जो है सिर्फ अब यूज होता है CPI। तो आपको याद रखना है, आपको रूरल कंबाइंड याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, कौन सा इंडेक्स आरबीआई यूज करती है, तो CPI इंडेक्स आरबीआई यूज करती है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और CPI जो होती है, CPI के अंदर इन्फ्लेशन की दर, देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इन्फ्लेशन की दर क्या होनी चाहिए, कि महंगाई की एक जो नॉर्मल दर होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो इन्फ्लेशन रेट हमेशा कितना होना चाहिए, 4%, 4% प्लस ब्रैकेट में लिखा होता है प्लस माइनस 2, मतलब 2% कम या 2% ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन, महंगाई चल जाती है, लेकिन उससे अगर अधिक होगा तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ने लग गई है। तो इन्फ्लेशन दर कितनी होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए, कंडीशन होती है प्लस माइनस 2, मतलब 2% कम भी हो सकती है, 2% ज्यादा भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 6% भी, लेकिन अगर उससे ऊपर या नीचे होता है तो वहां पे सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए इंडेक्स पूछा था, वो इंडेक्स है, आंसर आ है आपका CPI, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फॉर हाउ मैनी मैंडेटेड क्रॉप MSP इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा कितनी क्रॉप्स के लिए MSP, जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है वो अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक डील होती है गवर्नमेंट के बीच में और किसानों के बीच में। डील क्या कहती है कि जैसे फसल बोने से पहले किसानों के साथ एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में गवर्नमेंट कहती है कि मान लीजिए अगर इस साल में आपकी फसल का उत्पादन अधिक नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो आपकी फसल का उत्पादन अधिक नहीं होता और फसल का जो रेट है वो गिर जाता है मार्केट में। सुना होगा ना, फसल सस्ती हो गई, ज्यादा रेट सरसों का नहीं बढ़ पाया, लेकिन गवर्नमेंट ने जो किसानों के साथ जो डील की थी स्टार्टिंग में, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपसे 100 रुपए किलो ही खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट उसी प्राइस के साथ किसानों से फसल खरीदती है, इसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसानों को सपोर्ट करने के लिए
जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है वो किसानों को मिलेगा ही। तो इसके लिए टोटल क्रॉप्स कितनी डिसाइड की गई है, 22 क्रॉप। अब 22 के 22 नाम तो याद रखना आसान नहीं है, तो बस नंबर पूछा जाता है एग्जाम में कि टोटल क्रॉप्स का नंबर कितना होता है। टोटल क्रॉप्स का नंबर होता है 22, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन क्या होता है, 22 क्रॉप के लिए तो एमएसपी होता है, लेकिन एक क्रॉप ऐसी भी होती है जिसके लिए एमएसपी नहीं होता है, वो क्रॉप है शुगर केन गन्ने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी, दिस इज नॉट सिचुएटेड, ये एक सिचुएशन है, एक ऐसी एक अर्थव्यवस्था में स्थिति जो जिसे कहते हैं कि अब बेरोजगारी प्रचलित है, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग, मतलब बेरोजगारी चल रही है। जैसे ऐसा होता है ना, इस साल ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आई, तो आप क्या कहते हो कि इस साल बेरोजगार बहुत है, बेरोजगारी चल रही है। इसी प्रकार से पूछा गया कि ऐसी एक सिचुएशन जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग, देन वट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मुद्रा स्फीति जनित मंदी, मंदी आ जाना जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो हाइपर अति, अगर मान लीजिए महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, जैसे प्याज के दाम कितने बढ़ते हैं, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, लेकिन आपको किसी दिन पता चले कि प्याज के दाम सीधे 150 रुपये किलो प्याज हो गई है, तो आप क्या कहोगे कि अति स्फीति हो गई है, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई है, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, ऑप्शन ए देखो, गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जंपिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई जो है एक एक एकदम से जंप मार गई है, पहले 60 किलो प्याज थी, फिर 90 100 ना हो के सीधा 150 पे अगर पहुंच गई है, उसे आप कहते हैं कि जंपिंग इन्फ्लेशन, की महंगाई ने जंप मार दी, छलांग मार दी, क्लियर, टर्म क्लियर आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु एक्ट एज बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता। तो आप सभी को पता होगा बैंकर कौन होता है, बैंकर होता है सिर्फ आरबीआई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देता है अगर गवर्नमेंट को मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे कहते हैं IMF, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो किसके लिए देता है, गरीबी को मिटाने के लिए। तो ऐसे देश जो डेवलप नहीं हो पाए हैं या डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे गरीबी को मिटाने के लिए ये लोन कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसके लिए देता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे विश्व में बनी रहे। ये गरीब देशों को नहीं देता स्पेशली, ये हर किसी को दे सकता है। मान लीजिए किसी भी देश में, अमेरिका मान लीजिए कितना रिच कंट्री है, लेकिन वहाँ भी अगर मान लो पैसे की कभी ज़रूरत पड़ती है तो IMF जो है अमेरिका को भी लोन दे सकता है, ठीक है। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को देखरेख करने के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है, ठीक है। नोडल डिपार्टमेंट पूछा गया है कि जो केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली है, कि गवर्नमेंट किस प्रकार से अपना खर्चा करती है, कैसे मैनेज करना चाहिए उसको, कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, कौन सी योजनाओं में पैसा लगाना चाहिए, ये सारे जो मैनेजमेंट होती है, कौन सा डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है, व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी दी बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन होंगे, ये आपसे पूछा गया, बेनिफिशरीज पूछे गए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना के अंदर क्या था, ये बेसिकली जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लोग, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, उसके लिए एक योजना चलाई गई है। इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है, जिनकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, उनकी इनकम जो है एक महीने की 15,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है कि 60 साल के उम्र के बाद उन्हें हर महीने गारंटीड पेंशन मिलेगी, कितने, 3,000 रुपये हर महीने गारंटीड पेंशन मिलेगी, लेकिन कब, जब वो 60 साल की उम्र के बाद उनको मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन थे श्रम मंत्री प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, फैक्ट्रीज में काम करती हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, जिनका कोई मतलब कोई रेगुलेशन नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की है।
18 से 40 वर्ष के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और उनका पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे, कौन से आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया है? पिंक इकोनॉमिक सर्वे किसे कहा गया है? पिंक शब्द का मतलब, पिंक कलर किसको ज्यादा पसंद होता है? फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है पिंक कलर। ठीक है, तो पिंक कलर का क्यों रखा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका मतलब क्या है? तो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए रखा गया था। किसकी इम्पोर्टेंस? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस कि मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी बनी रहे, इस वजह से ये एक इंडिकेशन था। पिंक इकोनॉमिक सर्वे कौन से वर्ष में था? 2017-18 को जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो कैसे कलर में था? पिंक कलर में था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेशनल जीडीपी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, भारत के अंदर एक वर्ष ले लो या एक पर्टिकुलर कोई भी एक पीरियड ले लो, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर भारत में कितनी गुड्स और सर्विसेज का निर्माण हुआ है उसे हम भारत की जीडीपी कहते हैं। कितनी वस्तु बनी है, कितनी सेवाओं का उत्पादन भारत के अंदर हुआ है एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर उसे हम कहते हैं जीडीपी। आपने न्यूज में सुना होगा इस साल की जीडीपी 4.3 है, 6 है, परसेंट है। वो जीडीपी क्या होती है कि भारत में एक साल के अंदर कितनी वस्तु और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है वो भारत की जीडीपी कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है कि भारत ने कितनी ग्रोथ की है। ठीक है, तो आपको चार स्टेटमेंट दी गई हैं, ये चारों स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और ये बताना है इनमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो जीडीपी को डिफाइन करती है। ठीक है, तो जीडीपी जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ये याद रखना, जितनी इसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपियर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? अगेन, जेंडर बजट का मतलब क्या होता है? इसमें दिखाया गया है कि मेल और फीमेल जेंडर में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मेल और फीमेल इक्वल है। इस वजह से जो इसका पर्सपेक्टिव था बजट का वो ये था कि मेल और फीमेल की इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने इस बजट को बनाया था। किस वर्ष में? 2005 से 6 के बीच में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का टूल कौन सा है इनमें से, ये आपसे पूछा गया है। आरबीआई की पॉलिसी कौन सी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं जिससे आरबीआई महंगाई जो बढ़ चुकी है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? महंगाई शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन शब्द में मतलब क्या होता है? पहले हम कोई भी सब्जी खरीदते थे 50 रुपए में, अब वो महंगी हो गई है, तो महंगी होगी सब्जी कितनी हो गई है? 100 रुपए की हो गई है। पहले मार्केट में कितने पैसे जा रहे थे? 50 रुपए जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं? 100 रुपए जा रहे हैं। मतलब मार्केट के अंदर पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो ये 50 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं मार्केट में हर इंसान से, तो इन पैसों को एब्जॉर्ब करती है, अपने पास वापस खींचती है आरबीआई। तो इसके जो आरबीआई इन पैसों को अपने आप में खींचती है ताकि महंगाई को कम किया जा सके, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसके कुछ टूल्स होते हैं बेसिकली, वो टूल्स क्या क्या होते हैं देखो, एक होता है रेपो रेट, ऑप्शन सी में जो आपको दिया गया है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। एक होता है सीएलआर, एक होता है एसएलआर, ठीक है, एक होता है बैंक रेट। ये कुछ जो है टूल्स होते हैं आरबीआई के, जिससे आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसको बनाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। रेपो रेट के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि बैंक जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी कंडीशन में बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट में किसने लोन लिया? बैंक ने लोन लिया। रिवर्स रेपो रेट में कौन लोन लेता है? आरबीआई। कभी कभी तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना, हमेशा पापा ही मतलब बच्चों को पैसे देते, कभी ऐसा भी होता है पापा के पास भी पैसे ना और हमसे भी मांग ले। सेम ऐसा आरबीआई के साथ भी कभी कभी होता है कि आरबीआई के फंड में पैसे कम हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है, बैंक से पैसे लोन लेता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सी एल आर और एस एल आर, देखो समझो, सी आर आर, सॉरी, सी आर आर होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? कैश रिजर्व रेशियो।
इसका मतलब क्या होता है कि बैंक को कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं? ताकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो कुछ पैसे उसे अपने पास सेव करके रखने पड़ते हैं, जिसे CRR कहते हैं। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब जो बैंक के पास एसेट्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, कैश है, वो सारे एसेट बैंक को RBI के पास गिरवी रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो SLR वो होता है। बैंक रेट एक ऐसी रेट होती है जिस रेट पे RBI जो बैंकों को लोन देता है, पैसे देता है, उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। क्लियर है सारी टर्म्स? मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा समझ लिया है कि कौन सी टर्म की क्या डेफिनेशन होती है? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ RBI इंक्रीज रेपो रेट, अगर कभी RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट का मतलब समझा ना हमने क्या, कि बैंकों को कुछ पैसे जो है RBI से लोन लेना पड़ता है, ताकि उनके पास कभी जैसे डेफिसिट हो जाता है, कमी हो जाती है किसी दिन, तो उस एक दिन के लिए जो लोन लेता है बैंक RBI से, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा? तो अब देखो, ये RBI है, यहाँ पे एक बैंक है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है। तो बैंक ने क्या किया, ये RBI सॉरी बैंक के पास पैसा कम हो गया है, रेपो रेट में क्या किया, RBI से लोन लिया बैंक ने। क्लियर है? बैंक से लोन ले लिया। अब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको एक इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। अब RBI ने मान लो 100 रुपए का लोन दिया बैंक को। अब RBI को क्या करना है, अगर RBI चाहे तो इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है कि आपको जब चुकाएंगे तो आपको मुझे 50 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट होगा। इस प्रकार से RBI जो है काम करती है। तो देखो, अगर रेपो रेट का इंक्रीज बढ़ा दिया, अगर मान लो इंटरेस्ट RBI ने बढ़ा दिया कि तुम मुझसे लोन तो ले सकते हो, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अधिक होगा, ऐसी कंडीशन पे हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब RBI ने अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब बैंक को और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे RBI को, बैंकों के पास पैसे थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। तो बैंक ने अगर 100 रुपए लिए थे RBI से, जब ये वापसी चुकाएगा तो इसे 150 देने पड़ेंगे, तो बैंक के पास लॉस कितना हुआ, 50 रुपए का लॉस हो गया बैंक के पास। तो हमारी इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन में क्या असर पड़ता है? तो इसे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होती है, ठीक है। ये समझ में आया कि प्रोसेस कैसे होती है। अब इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के देखो ये सारे टूल्स बताए थे मैंने। अगर RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो पैसे हैं हमारी इकोनॉमी में उनको वापसी अपने पास लाना है, तो इन सारे रेट को RBI बढ़ा देती है। समझ में आया क्या हमने पढ़ा, इन सारे रेट्स को RBI बढ़ा देती है, जिससे कि बैंकों के पास पैसे कम बचते हैं और इन्फ्लेशन, मार्केट में पैसे भी कम बचेंगे, और मार्केट में पैसे कम बचेंगे तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, तो महंगाई जो है वो घट जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? तो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 6। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है RBI का गवर्नर, ठीक है। और ये 4 बार एक साल में मिलते हैं, 4 times in a year, 4 एक साल में 4 बार इनकी मीटिंग होती है। 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं, 3 मेंबर होते हैं RBI बैंक की तरफ से, 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और हेड कौन होता है, हेड होता है गवर्नर RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओल्डर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया 1 आना, हम कहते थे ना पहले कि 1 आना किसके बराबर होता है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 आना 1 रुपए का कितना हिस्सा होता था। तो आज शायद आपको पता भी होगा, 1/16 पार्ट होता था, 16 पार्ट होता था 1 रुपए का। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कुछ बैंक दिए गए हैं आपको। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, निम्न में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेशनलाइज्ड मतलब वो होता है जो अब पब्लिक सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट बैंक, जैसे SBI होता है, पंजाब नेशनल बैंक, ये गवर्नमेंट बैंक होते हैं ना, तो SBI जो है वो एक नेशनलाइज्ड बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक, ये कैसे बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, पता होगा सभी को। SBI जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। SBI का जो ओरिजिन है, सबसे पहले SBI बना था 1806 के अंदर, कहाँ पे बना था, कलकत्ता के अंदर SBI जो बैंक है इसका निर्माण हुआ था। पहले इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। तो SBI बैंक का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक।
1955 तक इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक, 1955 के बाद इस बैंक का नाम कर दिया गया एसबीआई बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या है, एसबीआई बैंक कौन से वर्ष में बना, 1955 से पहले इंपीरियल बैंक था, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया एसबीआई, और एसबीआई की स्थापना कहाँ पे हुई थी, 1806 में कलकत्ता के अंदर एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, फॉर विच क्रॉप, कौन सी फसल के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अनाउंस्ड इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। जब एमएसपी वाला क्वेश्चन आया था, टोटल 22 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया गया है, लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे एक फसल का एमएसपी नहीं दिया गया है, वो फसल है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन का एक उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद इटसेल्फ इज नोन एज, जमा राशि का वह प्रतिशत पूछा गया है जिसे बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना चाहिए के नाम से जाना जाता है। इसका मैंने आपको बताया भी था जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हमने पढ़े थे कि बैंकों को कुछ अपने पास एक अनुपात रखना पड़ता है, एक नगद कैश के रूप में रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी आ जाए तो यूज कर सके, जिसे कैश रिजर्व रेशियो हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम जिसे, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, विजया बैंक भारत के कौन से राज्य में स्थित है। इसकी टैगलाइन देख लो पहले, इसकी जो टैग लाइन है विजया बैंक की, ये पूछी जाती है एग्जाम में, इसकी टैग लाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन, अ फ्रेंड यू कैन बैंक ऑन, ये टैग लाइन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रेट डज आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तो बैंकों को जिस दर पे लोन प्रोवाइड करता है उस दर को क्या कहते हैं। जब मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल समझाए थे उसमें बैंक रेट सुना था और लास्ट में बैंक रेट लिखा था मैंने, बैंक रेट में क्या बताया था, एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, तो वही अगेन बैंक रेट आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ लिया, ये भी समझ में आ गया। पेनल्टी रेट क्या होता है, तो जो बैंक जैसे कि मान लीजिए लोन देता है कस्टमर्स को, तो कुछ कस्टमर्स फॉल्टी होते हैं जैसे टाइम पे लोन नहीं चुकाते हैं या मान लीजिए फ्रॉड कर देते हैं, तो उन पे बैंक एक पेनल्टी लगाता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं, वो पेनल्टी क्या कहलाती है, पेनल्टी रेट कहलाती है, जिस रेट से पेनल्टी लगाते हैं बैंक। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है सारी टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखो जैसे कि हमारे मेन बैंक होते हैं गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो ऑल ओवर द इंडिया आपको मिल जाते हैं। कुछ बैंक होते हैं जो पेमेंट बैंक, जैसे कि पेमेंट बैंक के अंदर क्या होता है, जैसे जो छोटे एरिया है तो छोटे लोग क्या सोचते हैं कि मतलब हम बैंक में पैसे नहीं जमा करवाएंगे, वहां से लोन नहीं लेंगे, फिर वो क्या करते हैं जो जैसे उनके एरिया में जो अमीर लोग होते हैं उनसे पैसे जो है लोन में ले लेते हैं साहूकारों से। ठीक है, फिर वो फंस जाते हैं उनके चक्रों में। तो इसके लिए पेमेंट बैंक शुरू किए गए, ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं तो छोटे छोटे एरियाज और जैसे बस्तियां वगैरह होती है उनमें ये बैंक लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इस बैंक के कुछ फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखो इसके बारे में याद रखना, ये बैंक क्या इशू नहीं करता, इट कैन नॉट इशू, ये सारे चीजें करता है लेकिन ये क्या नहीं करता, ये लोन नहीं देता, दूसरा ये क्रेडिट कार्ड नहीं देता। ठीक है, आप बस यहाँ पे अपने पैसे जमा कर सकते हो, यहाँ से लोन नहीं ले सकते हो, ये इसकी कंडीशन होती है। तो आपको एक गलत स्टेटमेंट चूज करनी है यहाँ से, वो गलत स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन सी, ये क्रेडिट कार्ड इशू करता है, बिल्कुल नहीं, ये दो ही चीजें इशू नहीं करता, एक लोन नहीं देता, एक क्रेडिट कार्ड नहीं देता। तो अभी क्या क्या देता है ये चीजें देखो, आपको एक एटीएम प्रोवाइड करवाएगा, आपको डेबिट कार्ड देगा, आपको मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी देता है। ठीक है, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही आंसर हो गया है। बाकी जो प्रोविजन है ये आप पढ़ सकते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य नहीं है, नो NRI डिपॉजिट, CRR SLR जो है वो फुलफिल होने चाहिए, ये सारी चीजें करता है लेकिन क्रेडिट कार्ड को इश्यू नहीं करता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है,
हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होते हैं? जो हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने टोटल मेंबर होते हैं? 6 होते हैं। इसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड। किसी वस्तु की अगर आप एक अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाती हूँ मैं। आपने मान लीजिए कोई नई चॉकलेट खाई, आपने सिल्क चॉकलेट खाई पहली बार लाइफ में। ठीक है, आपने सिल्क चॉकलेट एक चॉकलेट खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने पहली बार टेस्ट किया, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आया होगा उसमें। फिर यही चॉकलेट आपने एक चॉकलेट और खरीदी, फिर उसको खाया। अब इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको पहले खा चुके हैं, तो आपका टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा खा के, लेकिन जो पहली बार आपको संतुष्टि मिली थी उस चॉकलेट को खा के, वो दूसरी बार में आपको नहीं मिलती है। फिर आप इसे तीसरी बार एक चॉकलेट और लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर भी आपको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन आपको फिर भी वो नई वाली चीज़ नहीं लगती। आपको ये लगता है कि यार मैं खा चुका हूँ, ये टेस्ट तो मेरा डेवलप हो चुका है, अब मुझे कोई और नई चॉकलेट खानी पड़ेगी। इस प्रकार से जो टोटल यूटिलिटी होती है, जब आप किसी चीज़ के एक अतिरिक्त वैल्यू कंज्यूम करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ आप खाते हैं उसी सेम चीज़ की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी वैल्यू है ना, वो घट जाती है। ठीक है, कोई नया कपड़े आप खरीदते हैं, आप कितने खुश होते हैं कि मैंने नई ड्रेस खरीदी, फिर आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसे 2-3 बार पहनने के बाद, आप जब उसे पहनेंगे 3rd या 5th बार, आपको वो खुशी कभी फील नहीं होगी जो उसको फर्स्ट टाइम पहनने में आपको हुई थी ना। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। ए आंसर आ रहे सारे बच्चों के, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड करेंसी। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? वैलिड करेंसी, जैसे एग्जाम्पल्स देखो, ऐसी करेंसी जो हर रूप में वैलिड है, जैसे कि एग्जाम्पल करेंसी हुई, कॉइन हुए, आप कहीं भी चलाओगे 10 रुपए की वैल्यू आपको 10 में ही मिलेगी। कोई भी ड्राफ्ट आपने जमा करवाना है, 1 लाख का आपका ड्राफ्ट है, तो आप किसी भी बैंक में, कहीं भी भारत के राज्य में जाके उस बैंक की ब्रांच में जमा करवाएंगे, आपको 1 लाख का ही ड्राफ्ट उसकी वैल्यू होगी। लेकिन गोल्ड की वैल्यू जो है वो काफ़ी जगह अलग अलग होती है, यहाँ पे अलग होगी, किसी दूसरे राज्य में अलग होगी, कोई कम पैसे देगा, कोई ज़्यादा देगा आपको, तो ये एक प्रकार की वैलिड करेंसी नहीं है, तो गोल्ड इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मॉनिटर एंड रेगुलेट एग्रीकल्चर क्रेडिट। भारत में कौन सा ऐसा केंद्रीय संस्थान है जो कृषि ऋण की निगरानी और उसे रेगुलेट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या रूरल एरिया हो, गांव के जो भी एरियाज होते हैं, वहाँ पे अगर ऋण प्रोवाइड करवाना है तो ऋण प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 के अंदर। ठीक है, सेबी क्या करता है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की मैं आपको फुल फॉर्म लिख देती हूँ, सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। क्लियर। और आरबीआई, आप सभी को पता है आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, बैंक को लोन वगैरह देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी मोबिलाइज। किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थानों को द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है, मतलब इसके लिए पूछा गया सही जवाब क्या होगा, दोबारा आप नहीं जुटा सकते, उस टर्म आपसे यहाँ से पूछी गई है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा इन्फ्लेशन, महंगाई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा कि द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी मोबिलाइज बाय इन्फ्लेशन के द्वारा, उसे मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये पूछा है कि इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनमें से पूछा गया है, जो कि लेवाई किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जब आप एक्सचेंज मार्केट से, शेयर मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उस टाइम पे जो डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हैं सेल और परचेज के ऊपर, उस टैक्स को क्या कहा जाता है, बताइए सही जवाब क्या होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटीज शब्द से आप इसको शायद याद रख पाओगे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब सिक्योरिटीज जो आपने खरीदी है उसके ऊपर लेन देन पे जो टैक्स लगा है
वो टैक्स कहलाता है प्रतिभूति लेन देन कर। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है जीएसटी के बारे में। एक स्टेटमेंट चूज करनी है जो जीएसटी के बारे में इनमें गलत है, असत्य है, वो बताना है। बताइए सही जवाब क्या होगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी कब से लागू हुई? अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हुई। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो संशोधन किया है, तो कौन सा संशोधन हुआ है? 122वें नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ है उससे जीएसटी को लागू किया गया। भारत में अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो गई थी। तो जीएसटी के बारे में इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, आइए उसका चुनाव करते हैं। इट हैज नो कंप्लायंस कॉस्ट, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है, इट हैज अ कॉम्प्लायंस कॉस्ट। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो गया है। बाकी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेंगे जो कि जीएसटी के बारे में सही स्टेटमेंट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना होती है 1935 में। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में इसकी कितनी पूंजी से स्थापना हुई थी? जैसे ऐसे समझो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आपका ये होता है कि आपने कितने पैसे लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग का जो आपकी कैपिटल है, आपने शुरुआत में कितनी पूंजी लगाई है? वैसे ही आरबीआई जब बना था उस वक्त इसने इसकी जो पूंजी लगाई थी वो थी 5 करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। आज देखो कितने सारा इसका अमाउंट बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल एजेंसी मैनेज द पब्लिक डेब्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी एक केंद्रीय एजेंसी का नाम आपको यहाँ पे बताना है जो केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। देखो, पब्लिक डेब्ट, केंद्र सरकार को कोई ऋण चाहिए, चाहे वो उसको उतारना हो, मैनेज करना हो, ऋण लेना हो, सारे काम करता है आरबीआई, क्योंकि ऋण देने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ आरबीआई कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, दोबारा से एक सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे पूछी गई है जो किसको रेगुलेट करती है? फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर। क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय समिति जो एजेंसी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए याद रखना, नाफेड जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किस वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? देखो, मांग के नियम के अनुसार जो एज अ लॉ ऑफ डिमांड था, यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की समान व उसकी कीमत से कैसा संबंध हो निकल के आता है, ये आपसे पूछा है। ये संबंध निकल के आता है नेगेटिव, नकारात्मक निकल के आता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास सारी वस्तुओं का प्राइस पहले से सेम है, ठीक है, ना घटा है ना बढ़ा है, तो जो मांग उससे उत्पन्न होती है उससे हमेशा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं कर पाते हैं। अगर पहले से आपकी चीज़ें वस्तुएं सेम हैं, ठीक है, आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो दोबारा से आप नई चीज़ों की डिमांड बहुत कम करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो नकारात्मक सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद सेंट्रल एजेंसी, दोबारा से यहाँ पे एक केंद्रीय एजेंसी पूछी गई है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। शेयर मार्केट कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट, तो मैंने बताया था सेबी, जिसे जिसकी फुल फॉर्म क्या है दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। सेबी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1988 के अंदर, सेबी का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है, एक्सचेंज मार्केट है, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है, आपसे पूछा गया है। देखो, दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली किसी को पे करते हो, जैसे आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनकम टैक्स पे करते हो। तो इनकम टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा कि आपकी इनकम इतना है, आपको अपनी इनकम का इतना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, सीधे तौर पे आप टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन आप सीधे तौर पे नहीं, किसी और फॉर्म में आपसे लिया जा रहा है, जैसे कि सर्विस टैक्स। आप कहीं पे खाना खाने जाते हो
रेस्टोरेंट्स वाले ये नहीं बोलते कि आपको हमारे खाने पे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो क्या करते हैं सीधा आपको जीएसटी लगा देते हैं, आप पे बिल पे जीएसटी का आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो सर्विस टैक्स जो है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट है। सेवा कर कौन सा होगा? एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की, यहाँ से आपको टैगलाइन पता करनी है, इसकी टैगलाइन क्या होगी पीएनबी बैंक की। देखो पीएनबी बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये बहुत ही कॉमन बैंक है। तो इनकी एटलीस्ट ये 5-10 जो बैंक है इनकी टैगलाइन तो आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली यहाँ से आई थिंक बन सकता है, ठीक है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, द नेम यू बैंक अपॉन, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन यहाँ पे एक सेंट्रल एजेंसी पूछी गई है जो हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। हाउसिंग सेक्टर जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट क्षेत्र होते हैं, ठीक है, आप हाउसिंग सेक्टर घर लेते हैं लोन पे, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है? रेरा रेगुलेट करता है। रेरा का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो रियल इस्टेट, रियल इस्टेट मार्केट से आप समझते होंगे, तो रियल इस्टेट मार्केट जो होती है उसे कौन रेगुलेट करता है? तो रेरा एक संस्था होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो रियल इस्टेट से संबंधित ये होता है। आप देखो आरबीआई, आरबीआई आप समझते हैं लोन देने के लिए होता है। एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर जो है उससे संबंधित है, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? एलआईसी करता है। सेबी का हमने देख लिया, स्टॉक मार्केट को या शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, द फंड इनटू विच द प्रोसीड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर चैनलाइज्ड इज नोन एज। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने प्राइवेट सेक्टर को अपना हिस्सा दे दिया, उसने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अब उस कंपनी के आधे शेयर किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर वालों के, मान लो कि जियो वालों के, कोई एक गवर्नमेंट कंपनी है ए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने खुद के 10% शेयर किसको बेच दिए? जियो जो कंपनी है उसको बेच दिए, जियो एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है किसी एक पब्लिक, एक गवर्नमेंट सेक्टर की, वो जो फंड आएगा, वो जो पैसे निकल के आएंगे इससे, वो पैसे कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एमएसपी के बारे में समझा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, उसी की डेफिनेशन आपसे इस क्वेश्चन में बस पूछी गई है। चारों स्टेटमेंट पढ़ के सही डेफिनेशन बताओ कि सही डेफिनेशन इनमें से क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो फसल में गिरावट आ जाती है, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने जो पहले प्राइस डिसाइड किया था उसी प्राइस पे फसल खरीदी जाती है। तो ऑप्शन सी देखो कि बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अगर अधिक गिरावट आ जाती है, उस कंडीशन में जो है गवर्नमेंट एमएसपी जो है फार्मर्स को देती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डजन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। भुगतान शेष के चालू खाते, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है पहले ये समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि भारत के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, जितनी भी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन आप समझते हैं ना कि पैसे का लेन देन, जितना भी आर्थिक क्षेत्र में जितना भी पैसे का ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो भारत में हो या भारत ही किसी दूसरे देश के साथ हो, उसे सब हम मिला के कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बीओपी शब्द का मतलब क्या होता है। अब बीओपी में जैसे आपके बैंक में आपके दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट कौन सा होता है? जो आप यूज करते हैं। करंट अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट का मतलब ये होता है जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, उन्हें क्या होता है, रोज उनका पैसे का लेन देन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हर महीने सैलरीज देनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार का जो चालू खाता होता है जिसमें डे टू डे आप ट्रांजेक्शन करते ही करते हैं, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट इनमें से किससे संबंधित नहीं है ये पूछा है। आप वस्तुएं खरीदने के लिए भी यूज करते हैं, सर्विसेज के भी यूज करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप रोज रोज नहीं करते हो। आप रोज तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, रोजाना तो आप नई कार नहीं खरीद सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए करंट अकाउंट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है ये समझ लो एक बार। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट नई नई योजनाएं चलाती हैं कि गर्ल्स की जो है फीस माफ होगी, ठीक है, गैस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है,
गैस के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, जो स्कॉलरशिप दी जाती है हमें, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ट्रांसफर पेमेंट के ये एग्जाम्पल होते हैं जो गवर्नमेंट जो है फायदा देती है लोगों को भलाई के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है करंट अकाउंट में आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट में नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट किस में आता है फिर? ये आता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किस में आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे संबंध दिया गया है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप का पता लगाना है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है यहाँ पे सही होगा। इसके लिए आपको जवाब देना है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसके अंदर। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा संबंध इनमें से सही है? तो यहाँ पे जीएनपी का दिया गया है। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे, सॉरी, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ से डेराइव करना है। इसका आंसर होगा, देखो जीएनपी क्या होता है, इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी हमने समझा कि एक साल में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन भारत में हो रहा है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीएनपी क्या होता है? जीडीपी को मिला के और इनकम से जितने भी पैसे आ रहे हैं उन सबको मिला के जीएनपी निकाली जाती है। क्लियर? समझ में आ गई?